हरी ओम श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वत्यै नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनि मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे गुरु परंपरा जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर राधा मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम मेरा कोटि कोटि प्रणाम मेरा कोटि कोटि प्रणाम आए हो तो प्रेम से लोहरी का नाम सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम जय जय सीताराम राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो राधे 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 जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो राधे राधे जपा करो करो राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो राधे राधे जपा करो करो
करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे 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 जपा करो, राधे चरणों में प्रीति किया करो, राधे राधे जपा करो, प्रीति किया करो, राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, रस पिया करो, राधे 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 जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे
राधे जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहने श्रोतागण भक्तगण संस्कार टीवी और यूट्यूब पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तों को जय श्रीमन्नारायण जय श्री कृष्णा राधे राधे। भिंड की पावन धरती जो कथा की गंगा में डूब रही है ऐसी धरती को बारंबार प्रणाम करते हैं। आप सभी भक्तजन माताएं बहने श्रोतागण भक्तगण जो दूर दूर से आकर कथा का रसपान कर रहे हैं आप सभी भक्तों को जय श्री मन्नारायण जय श्री कृष्णा राधे राधे। सभी का बहुत बहुत स्वागत वंदन सबका बहुत बहुत अभिनंदन है आज की मंगलमयी पावन अमृतमयी कथा में। आज भगवान का जन्म होगा, आज कथा का चौथा दिवस है तो आज भगवान जी का क्या होगा? जन्म। और जब कथा में जन्म होता है तो आपका हृदय ही मथुरा बन जाता है और आपके हृदय में भी भगवान का जन्म होता है, प्रकट होते हैं भगवान। कथा श्रवण करने के लिए आप बड़ी दूर दूर से आए हैं, आए हुए सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत। और भिंडवासी भक्त जो क्षेत्रवासी भक्त हैं आप लोग यहाँ आकर प्रेम से कथा सुने। टीवी पर कथा आ रही है तो जो बहुत दूर रहते हैं जो यहाँ नहीं आ सकते उनके लिए तो टीवी पर है, पर जो आप भिंडवासी क्षेत्रवासी हैं आप तो यहीं आकर कथा की गंगा में डुबकी लगाएं, क्योंकि आपकी उपस्थिति पूरी दुनिया देख रही है कि भिंड में कितने भक्त आ रहे हैं लाखों की संख्या में और प्रेम से कथा का रसपान कर रहे हैं। तो ये आपके क्षेत्र का भाव पूरी दुनिया तक पहुंच रहा है, सारी दुनिया सराह रही है कि भिंड में भक्तों की कोई कमी नहीं है। इसलिए आप सब यहीं आकर प्रेम से कथा का लाभ लें और भगवान के चरणों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। भगवान कहते हैं जो मेरी कथा में उपस्थित रहता है मैं उसके हृदय में सदा उपस्थित रहता हूँ, जो मेरी कथा में उपस्थित है मैं उसकी व्यथा में उपस्थित हूँ। यदि आप भगवान की कथा में उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं तो जीवन में जब आपके जीवन में भगवान ना करे कभी व्यथा आए दुख आए तो भगवान आपके उस दुख में उपस्थित रहेंगे। तो पहली उपस्थिति आपकी, फिर उपस्थिति भगवान की। तो आप लोग अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, अब ये उपस्थिति दर्ज अपनी नित्य, अब आज चौथा दिन है, नित्य आपको ये उपस्थिति दर्ज करानी है। और आप सभी कथा की गंगा में जो डुबकी लगा रहे हैं भैया श्री अजय सैथिया जी, श्रीमती सुनीता देवी सैथिया जी, समस्त नगरवासी क्षेत्रवासी भिंड और सैथिया की बगिया जामने वाले हनुमान जी के श्री चरणों में हम सब कथा श्रवण कर रहे हैं। बोलिए श्री जामने वाले हनुमान जी महाराज की जय। प्रेम पूर्वक कथा का आनंद ले रहे हैं। इस कथा की जो समिति है कथा आयोजनकर्ता समिति के लिए तालियां बनती हैं, प्रेम पूर्वक तालियां बजाकर समिति के सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत और सम्मान करें जिनके प्रयास से हम सबको भगवान की अमृतमयी कथा प्राप्त हुई है। प्रिय भक्तों हाँ बोलिए भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। प्रिय भक्तों कल हम लोगों ने कथा सुनी ध्रुव जी की और ध्रुव जी की कथा में तीन सवाल हमने कल आप तक पहुंचाए थे, आप शायद उत्तर लेकर आए हों। सवाल क्या थे? सवाल ये था कि भगवान कहाँ है और हैं तो दिखते क्यों नहीं। बेटा बताओ भगवान कहाँ है?
बताओ, ये तीन सवाल हैं और देखो आप भी तीन लोग यहां बैठे हैं, एक एक सवाल का उत्तर, एक सवाल का उत्तर मैया देंगी, एक सवाल का उत्तर बहन देगी, फिर दूसरी सवाल का उत्तर भी बहन देंगी। चलो तीन सवाल हैं और तीन लोग आप बैठे हैं, फास्ट रेडी, चलो बताओ भगवान कहां रहते हैं, उत्तर बताओ बेटा। नहीं पता, मैया बताएंगी हमारी, भगवान कहां रहते हैं, यहां, यहां मतलब अंदर हृदय में, अंदर, तो एक्सरे करा ले, यहां होंगे तो एक्सरे में आएंगे। भगवान कहां रहते हैं, पीछे वाली मैया बताएंगी, वो पीछे वाली मैया लाल साड़ी वाली, मैया बताओ भगवान कहां रहते हैं मेरी मां, कण कण में, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं, भगवान कहां रहते हैं, जोर से, कण कण में, भगवान कहां रहते हैं, कण कण में, भगवान कण कण में। तो प्रश्न ये खड़ा हुआ कि भगवान यदि कण कण में रहते हैं तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते, बताओ भगवान दिखते क्यों नहीं है, उत्तर दो पीली बहन, चलो फास्ट, भगवान क्यों नहीं दिखते, मैया मेरी मैया बताएंगी, बताओ भगवान क्यों नहीं दिखते मेरी मां, हाँ मैया गुस्सा ना हो ना, बस बताओ जल्दी बताओ भगवान क्यों नहीं दिखते, चलो ये भैया बताएंगे, चश्मा लगाने वाले भैया जो आगे बैठे हैं, बताओ, हाँ हाँ भगवान क्यों नहीं दिखते, क्यों, ये जो भैया लोग खड़े हो ना, आप लोग वहां देखिए जगह है, जाके बैठ जाइए, अच्छा लगेगा, बैठेंगे और आनंद आएगा, बैठो सब लोग आनंद से, सब लोग बैठ जाओ। कार्यकर्ताओं से निवेदन है, जो भी भक्त आ रहे हैं सबको वहां जहां जगह है वहां बिठाते जाएं प्यार से, सब बैठो फास्ट। चलो भगवान कण कण में रहते हैं तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते। एक बार क्या हुआ, एक राजा था और वो राजा बड़ा दुष्ट था। एक राजा था, उसने अपने नगर में घोषणा करा दी कि मैं सारी मूर्तियां तोड़वा दूंगा, सारे मंदिर तोड़वा दूंगा, मेरे तीन प्रश्नों का उत्तर दो, यदि मेरे तीन प्रश्नों का उत्तर आपने नहीं दिया तो मैं सारे मंदिर तोड़वा दूंगा। राजा ने प्रश्न किया, सारी प्रजा को बुलाया, सारे भक्तों को संतों को बुलाया और राजा ने एक सवाल किया कि भगवान कहाँ है और हैं तो दिखते क्यों नहीं, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि भगवान इस समय किसकी तरफ देख रहे हैं। तीसरा सवाल, इस समय भगवान क्या कर रहे हैं, तुम्हारे भगवान करते क्या है, ये तीन प्रश्नों का उत्तर दो, तब तो मैं मंदिर रहने दूंगा, मूर्तियां रहने दूंगा, वरना मैं मंदिर नहीं रहने दूंगा, क्योंकि जब भगवान होते तो दिखाई पड़ते, भगवान तो दिखते ही नहीं, नहीं दिखते मतलब भगवान नहीं है, तुम सब गलत पूजा पाठ कर रहे हो, तुम्हारी श्रद्धा गलत है, ऐसा राजा ने सवाल खड़े किए। अब लो भैया, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े संतों ने आकर राजा को समझाया, पर राजा बड़ा दुष्ट था, माना नहीं। राजा को सबने तर्क दिया कि भगवान तो हवा की तरह है, जैसे हवा होती है पर दिखाई थोड़ी देती है, तो राजा संतुष्ट नहीं हुआ, बोले हम आपके इस तर्क से संतुष्ट नहीं है। अब लो भैया, राजा ने एक महीने का समय दिया, एक महीने के अंदर यदि आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया तो मैं सारे मंदिर तोड़वा दूंगा। सारी प्रजा बहुत दुखी हो गई, भक्त जन बड़े दुखी हो गए। एक भक्त जाके घर में रोने लगे, उनकी बेटी ने कहा, पिताजी आज आप रो रहे हो क्यों, क्या बताएं बेटा, जो राजा है बड़ा दुष्ट है, कहता है मैं सारे मंदिर तोड़ दूंगा, इस राज्य में कोई पूजा पाठ नहीं करेगा। लड़की ने पूछा, ऐसी क्या बात हो गई, तो पिता ने बताया, बेटी राजा ने तीन सवाल किए हैं, अभी तक तीन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दे पाया, इसलिए राजा सारे मंदिर तोड़वा देगा।
लड़की बोली, क्या सवाल है? पिता ने तीनों सवाल बताए। लड़की बोली, मैं उत्तर देकर आती हूं अभी राजा के पास। अब लड़की दौड़ी दौड़ी गई, दरबार लगा था, आज महीने का आखिरी दिन था। आज यदि उत्तर नहीं दिया जाएगा तो राजा सारे मंदिर तोड़वा देगा, सारी मूर्तियां हटवा देगा और वो जीत जाएगा, भक्त हार जाएंगे। लड़की गई, दरबार सजा था, राजा सिंहासन पर बैठे थे, प्रजा टकटकी लगाकर देख रही थी कि कोई तो आए और उत्तर दे। तभी लड़की खड़ी हुई, महाराज आपकी जय हो, मैं आपके तीनों प्रश्नों का उत्तर लेकर आई हूं, क्या आप सुनना चाहेंगे? राजा बोले, जरूर आप प्रश्न का उत्तर दीजिए। लड़की बोली, महाराज पूछिए, आपके वो प्रश्न कौन कौन से हैं? राजा ने कहा, बहुत सीधे प्रश्न हैं कि भगवान कहाँ है और यदि है तो दिखता क्यों नहीं। पहला प्रश्न है कि भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता, नहीं दिखता इसका मतलब वो नहीं है। लड़की ने कहा, महाराज मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी, पर मुझे पीने के लिए थोड़ा दूध चाहिए, पहले मैं अपनी भूख मिटाऊंगी, आपके प्रश्न का उत्तर बाद में दूंगी। लड़की ने दूध की मांग की तो राजा ने सोने के कटोरे में दूध भरवाया और दूध का कटोरा ला करके रखा। लड़की ने उस दूध से भरे कटोरे को देखा और राजा से सवाल किया कि महाराज आप बताओ, इस कटोरे में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? राजा बोले, दूध है। लड़की ने वहां खड़ी प्रजा, वहां खड़े लोगों से सवाल किया, आप लोगों को क्या दिखाई पड़ रहा है? सबने कहा, दूध है, हम सबको कटोरे में दूध दिखाई पड़ रहा है। लड़की बोली, महाराज आपको दूध दिखाई पड़ता है पर मुझे तो इस कटोरे में मक्खन दिखाई पड़ रहा है। महाराज बताओ, क्या इस दूध में मक्खन नहीं है? अब लड़की ने सवाल किए, महाराज क्या इस दूध में मक्खन नहीं है? तो राजा बोला, बताओ क्या दूध में मक्खन नहीं है? दूध में मक्खन है या नहीं है? उत्तर आप लोग दो, क्या दूध में मक्खन नहीं है? राजा ने कहा, है। लड़की बोली, यदि दूध में मक्खन है तो क्या आपको दिखाई पड़ रहा है? क्या आपको दिखाई पड़ रहा है महाराज? राजा बोले, दिखाई तो नहीं पड़ रहा है। बताओ दूध में मक्खन है या नहीं? है। क्या दिखाई पड़ता है? नहीं। तो नहीं दिखने से यह सिद्ध नहीं होता कि नहीं है, है पर दिखाई नहीं पड़ता। जैसे दूध में मक्खन है पर दिखाई नहीं पड़ता, उसी प्रकार सृष्टि के कण कण में भगवान है पर दिखाई नहीं पड़ते। जरूरी नहीं है कि जो चीज ना दिखे वो ना हो। अच्छा बताओ, गुलाब में, ये रहा गुलाब, ये रहा, ये बताओ ये गुलाब में खुशबू है कि नहीं? है, हमने ली है। गुलाब में खुशबू होती है कि नहीं? हाँ या ना? क्या दिखाई पड़ती है? अब नहीं दिखती तो क्या ये मान लिया जाए कि नहीं होती? भाई बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं होती, बहुत सारी चीजें हैं जो होती हैं पर दिखाई नहीं देती। जैसे खुशबू है गुलाब में, मोगरा में खुशबू है, चमेली में खुशबू है, है तो पर दिखती नहीं है। अच्छा, लेकिन इसका अनुभव तो किया जा सकता है। जैसे सूंघ कर गुलाब की खुशबू का अनुभव किया जा सकता है, ऐसे भक्ति करके भगवान का भी अनुभव किया जा सकता है। ईश्वर अनुभव का विषय है। ईश्वर किसका विषय है? अनुभव का। अब तर्क तीसरा समझिएगा। जैसे मिश्री, बताओ मिश्री मीठी होती है या नहीं? हाँ या ना?
क्या मिश्री की मिठास को देखा जा सकता है? अब नहीं दिखती, इससे यह सिद्ध तो नहीं होता कि नहीं है। मिश्री खाओगे तब ना उसका स्वाद पता चलेगा। ऐसे भक्ति करोगे, भगवान से प्रेम करोगे, तब ना भगवान का पता चलेगा। मिश्री को देखकर स्वाद का पता नहीं लगाया जा सकता, चखकर स्वाद का पता लगाया जा सकता है। मंदिर को देखकर भगवान का पता नहीं लगाया जा सकता, पर भक्ति करके भगवान का पता लगाया जा सकता है। ईश्वर गुलाब की खुशबू की तरह है, गुलाब की खुशबू की तरह है, मिश्री की मिठास की तरह है, और दूध के मक्खन की तरह है। एक बात और समझ लो, जरूरी नहीं है कि जो चीज नहीं दिख रही है वो ना हो। मैया वहां धूप में जो बैठी हो, मेरी मां आवाज आ रही है? आ रही है तो हाथ उठाओ। आ रही है? धूप लग रही हो तो वहां जाके बैठ जाओ सामने मेरी मां, और आवाज आ रही है और आप सुन रही हो तो आनंद से सुनो, ध्यान से सुनो। अब बताओ, आप में से किसी को सिर में, कमर में, पीठ में कभी दर्द हुआ? उत्तर दो, हुआ? एक बार क्या हुआ, भिंड में कथा हुई तो कथा सुनकर पत्नी घर चली गई। पति बोला कहां गई थी? पत्नी बोली कथा सुनने गई थी। तो पति बोला कथा में क्या सुना? पत्नी बेचारी भोली भाली, उसने बोला कि मैंने सुना कि भगवान सब जगह रहते हैं। पति बोला, पति थोड़ा बड़ा दुष्ट था, पति बोला तेरा भगवान यदि सब जगह रहता है तो जरा मुझे दिखा, तू तो कथा सुन के आई है और भगवान तो तेरा सब जगह रहता है तो जरा मुझे दिखा दे। पत्नी पत्नी भला उस पति को कैसे दिखाती और कैसे समझाती। 15 दिन बाद एक घटना घट गई, उस आदमी के सिर में जोर का दर्द हुआ। तो पति नहीं, वो पति बोला पत्नी से, सुनती हो, जरा डॉक्टर को बुलाओ, मेरा सिर फटा जा रहा है दर्द से। पत्नी बोली क्या हुआ? बोले दर्द है। पत्नी बोली ना, आपके सिर में कोई दर्द नहीं है। पति बोला दर्द है। पत्नी बोली यदि दर्द है तो मुझे क्यों नहीं दिखता? यदि आपके सिर में दर्द है तो मुझे क्यों नहीं दिखता? तो पति बोला तू पागल हो गई है क्या, दर्द भी कभी दिखता है? पत्नी बोली ये बताओ दर्द है कि नहीं? बोले है। तो पत्नी बोली जब है तो दिखता क्यों नहीं है? अरे भाग्यवान, ये दर्द दिखाई नहीं पड़ता पर होता है। पत्नी बोली स्वामी जी, जैसे दर्द दिखाई नहीं पड़ता पर होता है, उसी तरह भगवान दिखाई नहीं पड़ता पर होता है। ईश्वर तो एक दर्द है। मीरा ने क्या गाया, दर्द की मारी बन बन डोलू, वैद मिले नहीं कोई, हैरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द ना, मेरो दर्द ना जाने कोई, मेरो दर्द ना, मेरा दर्द कोई नहीं जानता। बोले तेरा दर्द क्या है? बोले क्या बताऊं? बोले तेरा दर्द ठीक कैसे होगा? बोले जब वैद सांवरिया होए, जब कृष्ण मेरा इलाज करने आएगा तब मेरे दर्द का है। मेरा दर्द भी कृष्ण है और मेरा इलाज भी कृष्ण है, ये दर्द है। तो कृष्ण दर्द है, मतलब भगवान दर्द की तरह। जब भगवान की भक्ति आती है ना तो हृदय में एक दर्द उठता है, एक ऐसा दर्द। कौन सा दर्द? उस कृष्ण से मिलने का दर्द, उस कृष्ण का साक्षात्कार करने का दर्द। और याद रखना, जब तक दर्द नहीं आता ना तब तक आगे कोई काम नहीं बनता। एक बात बताओ, बच्चा पैदा होने के पहले स्त्री को क्या आता है? जोर से, बच्चा पैदा होने के पहले स्त्रियों को क्या आता है? जोर से, थोड़ा जोर से, दर्द। और यदि दर्द ना आए तो डॉक्टर दर्द का इंजेक्शन लगा लगा के दर्द लाते हैं, दर्द आए आए। अच्छा, दर्द अच्छा होता है कि बुरा? जोर से, जोर से,
दर्द बुरा होता तो ये स्त्रियां दर्द लाती क्यों? ये तो इंजेक्शन लगवा लगवा के कहती हैं कि दर्द आए, हे भगवान दर्द आ जाए, हे भगवान दर्द आ जाए, क्योंकि जब तक दर्द नहीं आएगा तब तक बच्चा पैदा हो ही नहीं सकता। सोचिए कि बिना दर्द के बच्चा नहीं होता तो बिना दर्द के भगवान कैसे होंगे? तो भगवान को भी हृदय में प्रकट करने के लिए हृदय में दर्द चाहिए, वो प्रेम का दर्द, वो भक्ति का दर्द, वो विरह का, वो तड़प का दर्द चाहिए। इसलिए तो कहा मीरा ने, दर्द की मारी बन बन डोलू, दर्द है। प्रसव की पीड़ा के समय दर्द होना जरूरी होता है। दर्द नहीं आएगा तो बच्चा नहीं होगा। और एक बात बताओ, जितनी मेरी माएं बैठी हैं, बताओ आज तक इस धरती पर करोड़ों स्त्रियां आ गईं और करोड़ों स्त्रियां चली गईं, आज तक किसी भी स्त्री को बिना दर्द के बच्चा पैदा हुआ है? हुआ हो तो नाम बताओ। क्या बिना दर्द के कोई बच्चा पैदा हो सकता है? बोलो भाई मैया, नहीं हो सकता ना। सोचो, जब बिना दर्द के तुम बच्चे का मुंह नहीं देख सकती तो बिना दर्द के भगवान को कैसे देख सकती हो मेरी माँ? इसलिए दर्द जरूरी है, उस दर्द से भागो मत। उस लड़की की बात सुनकर राजा गदगद हो गया। लड़की ने कहा, भगवान सब जगह। प्रश्न दूसरा क्या था कि भगवान अभी किस ओर देख रहे हैं? लड़की ने कहा, महाराज हमें एक दीपक दीजिए। दीपक जलाकर दिया गया और लड़की ने पूछा राजा से, महाराज बताओ ये दीपक की ज्योति किस ओर देख रही है? राजा बोला, सब ओर। आप बताओ, दीपक जब जलता है तो किस तरफ देखता है? जोर से, जोर से, चारों ओर, दसों दिशाओं को देखता है। उसी तरह लड़की ने कहा, महाराज जैसे ये दीपक चारों ओर देख रहा है उसी तरह भगवान चारों ओर दसों दिशाओं में एक साथ देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ भगवान है। सवाल तीसरा, तुम्हारा भगवान अभी क्या कर रहा होगा, क्या करता है तुम्हारा भगवान? लड़की ने कहा, महाराज मैंने आपके दो प्रश्नों का उत्तर दिया, आप बताओ। प्रश्न पूछने वाला बड़ा होता है कि उत्तर देने वाला? बताओ बड़ा कौन होता है? उत्तर देने वाला गुरु होता है और प्रश्न करने वाला शिष्य होता है। लड़की बोली, आप मेरे से प्रश्न कर रहे हैं तो मैं आपकी गुरु हुई, तो आप मुझे अपने गुरु स्थान पर तो बिठाओ। आपने मुझे नीचे खड़ा कर रखा है और आप चेला हो कि ऊपर बैठे हो। राजा उतरा, अपनी सिंहासन पर लड़की को बिठाया और बोला, अब बताओ तुम्हारे भगवान क्या करते हैं? लड़की बोली, ये बताओ, जो इस राज सिंहासन पर बैठता है उसके सिर पर राज मुकुट होना चाहिए या जो द्वारपालों की तरह द्वार पर खड़ा है उसके सिर पर? बोले, राजगद्दी पर। राजा ने अपना मुकुट उतारा और उस लड़की के माथे पर रख दिया और राजा बोला, अब बताओ तुम्हारा भगवान क्या करता है? लड़की बोली, हमारा भगवान यही तो करता है, तुम जैसे राजा को भिखारी बना देता है, हम जैसे भिखारियों को राजा बना देता है। देखो, तुम्हारे देखते देखते तुमने ही मुझे राजा की गद्दी दे दी, राज सिंहासन पर बिठाया और राज मुकुट पहना दिया और तुम उतर गए नीचे। तो तुम जैसों को ऊपर से नीचे करना और नीचे वालों को नीचे से राजा को रंग और रंग को राजा चुटकियों में बनाने का काम भगवान का है। ये करते हैं भगवान, अभिमानियों के अभिमान को मिटाने का काम करते हैं। राजा उस लड़की के चरणों में गिर पड़ा, तीनों प्रश्नों से राजा संतुष्ट हुआ, लड़की को प्रणाम किया और राजा ने अपनी जो प्रतिज्ञा की थी कि मैं मंदिर तोड़वा दूंगा, वो सारी प्रतिज्ञा उसने हटाई और उसने माफी मांगी। ईश्वर जो है तर्क का विषय नहीं है, बात समझो। ईश्वर तर्क का विषय, उत्तर जोर से देना है, ईश्वर तर्क का विषय, ईश्वर किसका विषय है? जब भगवान तर्क का विषय नहीं है तो बताओ ईश्वर फिर किसका विषय है? जोर से,
क्या ये शब्दों का विषय है? क्या ईश्वर को शब्दों से जाना जा सकता है? ना, ईश्वर को ना तर्क से जाना जा सकता है, ना शब्दों से जाना जा सकता है। ईश्वर को कैसे जाना जा सकता है? बोले सोई जाने जेहि देह जनाई और जानत तुम ही होई जाई। जिसे वो खुद जनाना चाहे वो जान सकता है। और जानने के लिए क्या चाहिए? प्रेम, श्रद्धा। श्रद्धा चाहिए, तर्क नहीं। समर्पण चाहिए, संदेह नहीं। ईश्वर पर बड़ी बड़ी चर्चा होती है। ध्रुव जी महाराज राजा बने हैं भगवत प्राप्ति के बाद, और उन्होंने भगवान को पाया छोटी सी आयु में। भगवान को पा लिया ध्रुव जी महाराज ने, है ना? ईश्वर को पाया है ईश्वर। मृत्यु उन्होंने यक्षों को मारा, उनके भाई उत्तम को मारा, फिर यक्षों को उन्होंने मारा, और 36,000 वर्षों तक राज्य करके ध्रुव जी महाराज भगवान के मृत्यु के सिर पर पांव रखकर ध्रुव जी महाराज भगवान के परम धाम को चले गए। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय हो। ध्रुव जी ने किस उम्र में भगवान को पाया? जोर से, 5 वर्ष। अच्छा, भगवान को पाने की सही उम्र क्या है जरा बताओ मेरी माँ, भगवान को पाने की सही उम्र क्या है? मैया, ओ लाल मैया, जा रही हो? टाटा तो कर लो। जा रही हो मेरी माँ? जल्दी आना, कल फिर, कल आओगी? समय से आना और समय लेकर आना, ये घंटे भर महीने भाग जाना। मैया आप भी जा रही हो? अच्छा, सास बहू हो क्या? अच्छा, और ये तीसरी भी सास खड़ी हो गई? ये भी सास है? दो सास आपकी? अच्छा, मौसी सास है? बहुओं की सासें बहुत होती हैं। मौसी सास, आजी सास, बुआ सास, फलानी सास, ढिमका सास, सासी सास। वो तो अच्छा है कि कुछ सासें चली गई वरना सोचो कि सासी सास होती, फिर सांस ना लेने देती। ध्रुव जी महाराज ने भगवत प्राप्ति की है। इन्हीं के वंश में अब आगे इनके वंश के राजाओं की चर्चा हम आपको कराते हैं। इन्हीं के वंश में हुए भगवान प्रथु, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया, और 10,000 कान, 10,000 कान, 10,000 कान मांगे के प्रभु दो कानों से हम आपकी कथा नहीं सुन पाते, तो 10,000 कान। इन्हीं के वंश में प्रथु भगवान, जिन्होंने यज्ञ किया, भगवत प्राप्ति की। अब मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र की चर्चा सुनाऊं। मनु जी के दूसरे बेटे का नाम है प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने ग्रहे रमत यन्मूलः कर्म बंध पराभवः। प्रिय व्रत जी का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वर्हिष्मती से हुआ, इन्हीं के वंश में हुए। नाभि, फिर अंग, फिर भगवान ऋषभदेव जी, जहां से जैन परंपरा स्टार्ट हुई। फिर हुए भरत जी। ऋषभदेव भगवान के 100 पुत्र हुए, सबसे बड़े का नाम है भरत। एक बार भरत जी ने सब कुछ छोड़कर गंडकी का किनारा पकड़ा, लेकिन भरत जी का मन कहां लग गया था? भारत जी का मन कहां लग गया? एक मृग में। एक मृग पानी, मृगी पानी पी रही थी, वो गर्भवती थी। शेर ने दहाड़ लगाई, वो पानी में कूद गई, तो गर्भ
गिर गया। उस गर्भ के बच्चे को बचा करके भरत जी कुटिया पर ले आए। भरत जी ने पत्नी पति पत्नी परिवार बेटा बेटी घर परिवार धन दौलत से सबसे मन हटा चुके थे और तपस्या करने गंडकी नदी पर चले गए, लेकिन उनका मन एक मृग में लग गया। किस में लग गया? एक तुलसी मृग संयोग से भरत धरे मृग देह, तो तुलसी उनकी कौन गति जो घर घर करत स्नेह। एक मृग में मन लग जाने से भरत जी को मृग बनना पड़ा। क्या बनना पड़ा? जब भरत जी की मृत्यु हुई तो यमराज जी ने कहा कि आप मृग का चिंतन करते आए हैं, इसलिए आपको मृग की योनि में जाना पड़े। आप लोग जरा मुझे बताओ कि आप लोगों का मन कहां कहां लगा है? आप लोग जब मरोगे तो कहां मन लगाए मरोगे? क्यों आप लोग कहां मन लगा के मरोगे? पत्नी में मन लगाओगे? पत्नी का क्या होगा मेरे बाद, पति का क्या होगा मेरे बाद, बच्चों का क्या होगा मेरे बाद? आप लोग ये मन संसार में ना लगाए लगाए मर जाना, बड़ी दुर्गति होगी। भारत जैसे ज्ञानी की दुर्गति होगी, मृग बन के आना पड़ा। तो बताओ आप लोग अपना मन कहां लगाए हैं और कहां लगाएंगे? कल हमने बताया था ना मन कहां लगाना है, कल हमने खूब बताया, मन पर खूब चर्चा करी। बताओ मन कहां लगाओगे? यदि पत्नी में मन लगा, पति में मन लगा, तो गति बिगड़ जाएगी। तो आप कहां मन लगा के मरेंगे बताओ? हाँ, और हम आपको एक बात बताएं भक्तों, आप लोग ना मरने के पहले सबसे मन हटा लेना, यही आपकी सफलता है। यदि आपका मन एक भी बार कहीं लग गया जगत में, याद रखना मन में कोई भी कामना रह गई मरते समय, कोई भी कामना, तो कोई भी कामना यदि रह गई तो वो कामना पूरी करने के लिए आपको अगला जन्म फिर लेना पड़ेगा। मनुष्य ये जन्म बार बार क्यों होता है? चलो बताओ जन्म लेने का मूल कारण क्या है? कामनाएं। जन्म लेने का मूल कारण क्या है बोलो जोर से मैया। जन्म लेने का मूल कारण क्या है? कामनाएं। यदि आपके अंदर कोई कामना रह गई, चाहे वो कामना अच्छी हो या बुरी हो, चाहे वो कामना राजा बनने की हो, चाहे वो कामना स्त्री की हो, चाहे वो कामना पैसे की हो, कोई भी कामना रह गई तो वो कामना आपको फिर लेकर आएगी संसार में, फिर 84 का चक्कर आपको घेरना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आप में से कितने लोग फिर से जन्म लेना चाहते हैं, फिर मरना चाहते हैं, फिर जन्म लेना चाहते हैं, फिर मरना चाहते हैं? ये जन्म मृत्यु के चक्कर से बचना कौन कौन चाहता, पहले ये कन्फर्म कराओ। कितने लोग जन्म और मृत्यु के इस चक्र से बचना चाहते हैं, हाथ उठा के बताओ। आप लोग नहीं बचना चाहती हो बेटा? ये संसार में जन्म लिए और मर गए, आप लोगों का कितनी बार जन्म हो चुका है संसार में जोर से? हाँ, आप लोगों का जन्म अभी तक करोड़ों बार आप पैदा हो चुके हैं इस धरती पर। कभी कुत्ता बनकर आए, कभी गधा बनकर आए, कभी चींटी बनकर आए, कभी हाथी बनकर आए, करोड़ों बार आप लोगों का जन्म इस संसार में हो चुका है। आप कितने लोग बचना चाहते हैं जन्म और मृत्यु के चक्र से? तो क्या करना पड़ेगा? अपनी कामनाएं समाप्त करनी पड़ेंगी। जिनके अंदर कोई कामना है वो जन्म मृत्यु में उलझा रहेगा, और जिसने अपनी कामनाएं समाप्त कर दी। कबीर दास जी ने एक दोहा गाया, उसका अर्थ आप लोग बताना। एक दोहा हम आपको सुनाएंगे, फिर आप उसका अर्थ बताना, हमें पता नहीं है। हाँ, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय,
बताओ क्या अर्थ हुआ इसका? दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। क्या मतलब है इसका भैया? ओ मेरी माँ खड़ी होके पंचायत कर रही हो, मेरी माँ वो पीली मैया को जरा बताओ। अरे बैठ जाओ मेरी माँ, बैठ देखो फोन पे लगी है खड़े होके। अच्छा किसी को ढूंढ रही है। अच्छा मिले? चलो सुनो। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। क्या अर्थ है इसका? क्या मतलब हुआ इसका भैया? क्या मतलब हुआ इसका? हाँ सुन रही हो ना माँ, या सो रही हो माँ, या पंचायत कर रही हो माँ, जल्दी से उत्तर दो। चलती चक्की देख कर, चक्की में कितने पहिया होते हैं? कबीर दास जी कहते हैं चलती चक्की देख कर दिया। चक्की क्या है? बोले एक पहिया नीचे एक पहिया ऊपर, ऐसे चलता है। ये जन्म और मृत्यु का पहिया है। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोए। सबको पीस दिया चक्की ने। किस किस को? बोले आप सबको, हम सबको। जन्म और मृत्यु की चक्की हम सबको पीसती चली जा रही है। कबीर जी रो रहे हैं अब कैसे बचें जन्म और मृत्यु से। तब कबीर के बेटे कमाल ने उत्तर दिया। अब दूसरे दोहे का अर्थ बताना आप लोग। इसका तो हो गया, अब अर्थ बताओ। अब ये मैया अर्थ बताएंगी, ये भैया लोग तो नहीं बताते अच्छे से। अब ये अर्थ मैया बताएंगी। अब कबीर जी का बेटा बोल रहा है, पिताजी जब रोए ना, कबीर जी रोए तो बेटा कमाल बोला, चलती चक्की चलने दे पिस पिस वाटा होए, कीले माही जो रहे सो बाल न बाका होए। पिताजी चक्की चल रही है, चलने दो, जन्म मृत्यु चलने दो, पर जो एक कील, चक्की में कील होती है ना, बीच में खूंटा, जो दाना उस कील पर गिर जाता है वो पिसता नहीं है। जो उस एक परमात्मा की शरण में चला गया वो पिसने से बच जाएगा, वरना सब जन्म मृत्यु में पिस जाएंगे। तो कौन कौन बचना चाहता है? तो भगवान की शरण में रहो और अपनी कामनाओं को समाप्त कर लो। आप लोग जो मृत्यु के नजदीक हैं, आप में से कितने लोग मृत्यु के नजदीक हैं? हम तो नजदीक हैं ही, कौन सी बड़ी जिंदगी लेके आए हैं। 100-200 करोड़ साल थोड़ी जिएंगे, 100 साल के अंदर की कहानी है अपनी। तो आपकी कितनी कहानी है? 500 साल जाओगी मैया? नहीं चली जाना। हाँ हम सबकी जिंदगी थोड़ी है, और हम तो कहते हैं देखो इसी शरीर से कामनाएं करनी भी है और इसी शरीर से कामनाएं खत्म भी करनी है। मैया आपकी कोई कामना रह गई है? अभी बची है बुढ़ापे में? राम 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 राम। क्या बचा है बताओ? ये पोता का विवाह हो जाए। अच्छा अभी कुछ और देखना बाकी है मैया, अब कोई इच्छा ना रखना, अब बिल्कुल कामनाएं खत्म कर दो। यदि आपके अंदर कोई कामना रह गई और कामना रह गई और आप मर गई, तो वो कामना पूरी करने आपको फिर आना पड़ेगा संसार में। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़कर कहते हैं मरने के पहले कोई कामना, एक कामना रह जाए, एक इच्छा रह जाए, हे श्याम सुंदर बस आपको देखना है, आपको पाना। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना। एक भगवान को पाने की कामना,
भैया, ओ भैया, ये सफेद दाढ़ी वाले बताएंगे। चलो बताओ आपकी क्या इच्छा कामना है, अभी कोई कामना है? और होएगी तो खत्म कर देना, क्योंकि घड़ी जा रही है, मृत्यु की तरफ आप खिसक रहे हैं। जैसे आप बालू, आपके यहाँ तो रेत है, रेत बालू को जरा मुट्ठी पर दबाओ, मुट्ठी पर दबाने से क्या वो बालू आपके हाथ में बहुत देर तक ठहर सकती है? ठहर सकती है? जैसे बालू सरक जाती है, ऐसे आपके हाथ से आपका जीवन सरक रहा है, बचा है। अब कोई कामना ना रखो, निष्काम हो जाओ और कामना त्याग कर और भगवान की कामना रखो। एक कृष्ण को पाना है मन भगवान में। और आप लोगों से निवेदन करूं, भरत जी के अंदर कामना रह गई तो कामना ने मृग बना दिया। आप कामना ना रखना कोई भी, जिसका लेन देन है चुका दो। एक बात बताएं, आप लोग किसी का कर्जा लेके तो नहीं बैठे? कुछ लोग ऐसे होते हैं, पैसा ले लेते हैं वापस नहीं देते। यदि आपने किसी के 100 रुपए भी लिए हैं, 1000 रुपए लिए हैं, तो वापस कर देना। यदि नहीं कर पाए और आप किसी का पैसा लेकर मर गए, तो अगले जन्म में उसके घर का कुत्ता बनकर या बैल बनकर तुम्हें चुकाना पड़ेगा। उसका 100 रुपए चुकाने के लिए आना पड़ेगा। यह ईश्वर की अदालत है ना साहब। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाया, सबका हिसाब। तो आप किसी का पैसा खा के मत मरना। यदि आपने किसी के 100 रुपए लिए हैं और देने वाला भूल गया है, तो आप लेने वाले याद करके वापस कर, भैया ये 100 रुपए तेरे, पकड़, हम नहीं लेना चाहते। यदि लेके मर गए तो लिख लेना, शास्त्र गवाह है, कोई माई का लाल तुम्हें बचा नहीं सकता। 100 रुपए लेके भी मरे हो तो 100 रुपए चुकाने तुम्हें फिर आना पड़ेगा संसार में। चाहे कुत्ता बनकर आओ, चाहे उसके घर का सुअर बनकर आओ, चाहे उसके घर का बैल बनकर आओ, चाहे उसके घर का नौकर बनकर आओ, 100 रुपए तुम्हारे बाप को चुकाना पड़ेगा। ईश्वर की अदालत में लेन देन बिल्कुल पक्का है। आपको क्या लगता है कि हम खा जाएंगे किसी के 1000, 500 या 10000? ना, तुम्हारे बाप ने भी यही गलती की थी। हिसाब किताब एक नंबर का रखो। लेन देन कोई लेन ना देन ना भैया, मरने के पहले सब चुकता, सबको राम राम, कोई लेना देना नहीं। बेटा बेटी से भी मन हटा लो, परिवार से मन हटा लो, संसार से मन हटा लो, भगवान में मन लगाओ। अब मरने की तैयारी करो। किसकी तैयारी करो? मरने की तैयारी करो। आप लोग ना मरने की तैयारी नहीं करते बिल्कुल। बूढ़े बूढ़े लोग ऐसे जी रहे हैं जैसे कभी मरेंगे ही नहीं। दो बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। अपनी मृत्यु को और भगवान को सदा याद रखना चाहिए। समझदार लोग दोनों को याद रखते हैं और मूर्ख बेवकूफ लोग दोनों भूल जाते हैं। और आप लोग मरने के पहले बिल्कुल सब क्लियर, लेन देन बचा है तो बेटों को कहकर जाओ, बेटा मैं तुम्हारा बाप हूं, फलाने के 10000 बाकी है, तुम चुका देना। और बेटे को चाहिए कि पिता का कर्जा चुकाए, पिता का सब एक एक रुपए का हिसाब करके जाना साहब, वरना गति बिगड़ जाएगी, कामना ना रह जाए। और आपको मरते समय बिल्कुल सावधान रहना। जब आप मरने लग जाएं तो घर वालों को बोल देना, जब आप जितने लोग बैठे हैं सब अपने घर वालों को बोलना कि बेटा जब हम मरने लग जाएं तो ज्यादा रोना धोना मत। आजकल होता क्या है, आदमी मरा नहीं, लोग पहले ही आ जाते हैं और आ करके क्या करते हैं, हिलाते हैं, हमें पहचानो हमें। आप मरने लग जाएंगे ना तो ये दुनिया इकट्ठी होगी और आपको हिलाएगी, हमें पहचानो हमें।
सब लोग यही कहेंगे हमें पहचानो, कोई ये ना कहेगा कि भगवान को पहचानो। सारी दुनिया आएगी आपको हिलाएगी, कहेगी हमें पहचानो, और थोड़ा रोएगी आपके मरने पर। आप मरने वाले हैं, ये दुनिया आपके बगल में बैठ के रोएगी शोर मचाएगी तो आप शांति से मर पाओगे? इसलिए कहते हैं कम से कम शांति से मरने की व्यवस्था तो करो। और शांति से मरने की व्यवस्था क्या है? घर वालों को बोल दो रोना मत, कीर्तन, तुम लोग रोते हो उससे अच्छा कीर्तन करो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। मरने वाला व्यक्ति भगवान का नाम लेकर सुनेगा तो परम गति हो जाएगी। तुम्हारे रोने धोने से क्या होगा? क्या तुम मूर्खों की तरह आंसू बहाते हो? क्या मरेगा नहीं कोई? क्यों अज्ञानियों की तरह व्यवहार करते हो? मरने से सब जग डरा मेरे मन आनंद, कब मरी हूं कब भेटी हूं पूर्ण परमानंद। तो आप लोग मरते समय क्या करेंगे? सामने भगवान का चित्र रख लो, मरते हुए आदमी के या स्त्री के मुंह में तुलसी का दल डाल दो और गाय के गोबर से आंगन को लीपो, मुंह में गंगा जल डालो और बैठकर कीर्तन करो। रो लेना बाद में, मर तो जाने दो पहले। पहले कीर्तन करो और भगवान से कहो, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, उस वक्त जल्दी आना नहीं श्याम भूल जाना, मुरली मधुर बजाना जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, होंठों में कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। तो भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु कोई कामना नहीं। तो आप लोग निष्काम हो जाओ, कोई कामना नहीं। और यदि कामना रही, भरत जी मरे तो मृग बन कर आना पड़ा। अब आप देख लो, हमने तो आपको बता दिया, हम तो अभी से अपनी कामनाएं खत्म करने में लगे और आप बढ़ाने में लगे, कोई कामना नहीं। श्री भरत जी महाराज मृग बनकर आए, तीसरा जन्म मनुष्य का मिला, मृग की योनि को त्यागा, तब राजा रहुगण को उन्होंने उपदेश किया, त्वयोदितं व्यक्तम अभिप्रलब्धं भर्तुः समे स्याद्यदि वीरभारः गन्तुर् यदि स्याद्यधिगम्य मध्वा पीवेति रासौ न विदां प्रवादः। ये शरीर भार है, मैं आत्मा हूं, ऐसा उपदेश राजा रहुगण को श्री भरत जी ने किया और दोनों परम धाम को गए। सुखदेव भगवान ने 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया। नरक कितने होते हैं? जो जैसा पाप करता है वैसे नरक में जाता है। अच्छा, नरक में जाने से बचना हो तो क्या करना पड़ेगा? अजामिल नाम के एक ब्राह्मण थे, उन्होंने मरते समय क्या बोला था अजामिल ने? जोर से नारायण। आप लोग भी मरते समय क्या बोलेंगे? हाँ, यदि बोलेंगे नारायण तो गति बन जाएगी, और भूल गए नारायण तो गति बिगड़ जाएगी। इसलिए अभी से नारायण नारायण जपो ताकि मरते समय निकले। पता नहीं मरते समय निकल पाए ना निकल पाए, अभी से अभ्यास करो। क्या बोलेंगे? जोर से श्रीमन नारायण। बोलो श्रीमन नारायण, बोलो श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। ओ मेरी माँ, बोलो मेरी माँ, बोलो जय श्रीमन नारायण, बोलो जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। हाँ हाँ मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार, राधे बोल। बोलो मेरी माँ,
नहीं बोलोगी तो मैया तेरे पाँव पड़ूं जय श्री मन्नारायण बोल। मैया तेरे पाँव पड़ूं जय श्री मन्नारायण बोल। मैं पाँव पड़ूं आपके बोल दो, क्योंकि ये नारायण का नाम ही तुम्हारे काम आएगा। ये जमी पर संसार में जो धन दौलत कमाई सब धरी रह जाए। भैया तेरे पाँव पड़ो जय श्री मन्नारायण बोल। भैया तेरे पाँव पड़ो जय श्री मन्नारायण बोल। 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 भैया तेरे जी मैया तेरे हो। मैया तेरे पाँव पड़ो एक बार राधे बोल। मैया तेरे पाँव पड़ो एक बार राधे बोल। मैया तेरे पाँव पड़ो जय श्री मन्नारायण बोल। मैया तेरे पाँव पड़ो एक बार राधे बोल। तो आप लोगों के पाँव पड़ूं मैया भैया, ये नारायण नारायण बोलना ये आपके भले की बात कर रहा हूँ। मैया क्या बोलोगी मेरी माँ? बोलो सीताराम, बोलो राधे श्याम, जय श्री मन्नारायण। या तो नारायण बोलो या राम बोलो या कृष्ण बोलो, तीनों का मतलब एक ही है। राम नाम बोलो, कृष्ण नाम बोलो, और नाम बोलते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, ये नाम काम आएगा। अजामिल जैसा पापी मैया, बड़ा पापी था अजामिल। 88 साल का हुआ तो यमदूत आए, चल तुझे लेकर चलें। यमदूत पकड़कर ले जाने लगे तो अजामिल ने बेटे को बुलाया। बेटे का नाम क्या था? क्या नाम था बेटे का? नारायण। बुलाया, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायण वयम प्लावितेन स्वर्ण उच्च राजू हावा जितेंद्रिय। बेटा नारायण, बुलाया था बेटे नारायण को, सुन लिया पिता नारायण ने, परमात्मा नारायण ने सुन लिया, और परमात्मा ने पार्षदों को भेजा, जाओ मेरा भक्त पुकार रहा है, लेकर आओ। केवल नाम के बल पर अजामिल की सदगति हो गई मेरी माँ। किसके बल पर? इसलिए आप लोग काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करते रहो और नाम। अजामिल का उद्धार हुआ। एक बार गुरुजी ने अपने इंद्र ने अपने गुरुजी का अपमान किया। पार्षदों ने अजामिल को 12 साल की उम्र और दी। भगवत चिंतन करते हुए अजामिल की परम गति हुई। एक बार इंद्र ने अपने गुरुजी का अपमान किया, और इंद्र ने गुरुजी का जब अपमान किया तो गुरुजी नाराज होकर चले गए। तब इंद्र ने विश्वरूप इमरजेंसी में विश्वरूप जी को गुरु बनाया, और विश्वरूप ने यज्ञ किया। यज्ञ में राक्षसों को आहुति डाल दी। इंद्र नाराज होकर गुरु का सिर काटा। तब इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी, 4 स्थानों पर बांटी। इंद्र ने ब्रह्म हत्या स्त्रियों को दे दी, रज के रूप में दिखती है, जल को दे दी झाग के रूप में, वृक्षों को गोंद के रूप में, पृथ्वी को बंजर भूमि के रूप में, ये ब्रह्म हत्या नजर आती है। तब महर्षि त्वष्टा ने एक वृत्तासुर को प्रकट किया, जाओ इंद्र को मारो। पर वो इंद्र से जब युद्ध किए तो इंद्र ने दधीची ऋषि की हड्डियों का वज्र बनाया, और वृत्तासुर ने उस दधीची ऋषि की हड्डियों में भगवान का दर्शन किया, और वृत्तासुर ने भगवान की स्तुति की। राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान से कहा, प्रभु जब ये वृत्तासुर राक्षस था तो इसने भगवान की स्तुति क्यों की? तब सुखदेव भगवान बोले, ये वृत्तासुर पिछले जन्म का बहुत बड़ा भक्त था, इस जन्म में राक्षस। कई बार हम लोग कुछ गलतियां पिछले जन्म में करते हैं जिसका दंड हमें इस जन्म में मिलता है। जैसे भीष्म पितामह को बाणों की सैया मिली, क्यों? क्योंकि उन्होंने एक सांप को कांटों के ढेर में फेंक दिया था। सांप पर कांटे चुभ गए और सांप बेचारा तड़प तड़प के मर गया,
तो भीष्म पितामह को भी बाणों की सैया पर लेटकर अपने कर्मों का दंड भोगना पड़ा। ये कर्म भूमि है मेरी माँ, यहाँ जो जैसा करेगा भोगना पड़ता है। इसलिए आपसे कहता हूँ, आपके किए का आपको ही भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा ना आएगा। अब हुआ यही कि वृत्तासुर पिछले जन्म में एक राजा थे, बहुत ध्यान से सुनना, ये कथा आपको बहुत कुछ सिखाएगी। भैया सुन रहे हो ना, सुनो, जहां हो चुपचाप सुनो। मैया आवाज आ रही है मेरी मां, तो सुनो फिर। एक राजा थे, जितने लोग पांडाल के भीतर हैं उतने लगभग बाहर भी दिख रहे हैं। तो आप लोग बड़े प्रेम से आए हैं कथा सुनने, जैसे जहां जगह मिली। कुछ लोग तो देखो बेचारे, नीचे बिछात नहीं है तो भी बेचारे खेतों पर माटी पर बैठ के कथा सुन रहे, यानी कि श्रद्धा को प्रणाम करना तो बनता है ना। आप सबकी श्रद्धा और आपकी आस्था को हम प्रणाम करते हैं। कुछ लोग धूप में बैठे हैं, कुछ लोग मिट्टी पर ही बैठ गए खेतों पर, और आप बैठ के सुन रहे हैं। आपके इस प्रेम को, इस भक्ति को हम कोटि कोटि वंदन करते हैं, आपकी आस्था को नमन करते हैं। ये भगवान के प्रति आप लोगों की श्रद्धा ने ही आज इस कली काल में भी धर्म को बचाए रखा है, वरना ये धर्म रसातल में चली जाती है पृथ्वी, यदि आप जैसे अच्छे भक्त ना होते तो। मुझे खुशी है कि आप जैसे अच्छे भक्तों को कथा सुनाने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। अब सुनो, बहुत अच्छी बात हम आपको सुनाएंगे जो आपके हित में है, सुनिए। प्रिय भक्तों, एक राजा है, एक राजा थे, उनका नाम था चित्रकेतु, उनकी पत्नी का नाम था कृतद्युति। बहुत सारी पत्नियां थी उनकी, पर दुर्भाग्य देखिए कि राजा की पत्नियां तो बहुत थी पर पुत्र नहीं था। राजा बड़े दुखी रहने लग गए कि मेरा पुत्र नहीं है। एक संत से कहा राजा ने कि महाराज मुझे पुत्र चाहिए। संत ने कहा कि तुम्हारे भाग्य में कोई संतान सुख है ही नहीं, कोई संतान सुख नहीं है। महाराज भले नहीं है पर आप संतों का आशीर्वाद है तो सब हो जाएगा, संतों का आशीर्वाद है। तो राजा से कहा कि देखो मैं तुम्हें पुत्र तो दे सकता हूं पर वो तुम्हें सुख और दुख दोनों ही देगा। ठीक है महाराज, हमें पुत्र दीजिए। पत्नी को फल दिया, पत्नी ने फल खाया, फल खाकर पत्नी गर्भवती हुई। राजा को एक बेटा हुआ सुंदर सा। जब बेटा 5 साल का हुआ तो एक रानी को बेटा हुआ, तो राजा उससे ज्यादा प्रेम करने लग गए जिसको बेटा हुआ। उन रानियों से प्रेम नहीं रहा जिनको बेटा नहीं हुआ, उन रानियों ने उस 5 साल के बच्चे को जहर देकर के मार दिया कि ये बेटा जब से आया है राजा हमें देखते भी नहीं, स्वीकार भी नहीं करते। राजा ने जहर देकर के, रानियों ने, अन्य रानियों ने जहर देकर मारा। छोटा 5 साल का नन्हा बच्चा था, बेचारा सोया ऐसी नींद में सोया कि फिर कभी नहीं जागा। राजा रोए, रानी रोई। अभी रोना धोना चल रहा था कि देवर्षि नारद जी आ गए। नारायण नारायण, राजन तुम इतने बड़े ज्ञानी हो, रो रहे हो। राजा बोले महाराज मेरा 5 साल का बेटा मर गया, क्या अपराध किया था इसने, क्यों चला गया। तब नारद जी ने कहा ये मृत्यु लोक है, इस संसार में जो आता है जाने के लिए आता है। राजा बोले मुझे ज्ञान नहीं सुनना, आप देवर्षि नारद जी हैं, सब कर सकते हैं, मेरे पुत्र को जीवित करो। नारद जी बोले तू जिद करता है मैं जीवित करता हूं। नारद जी ने उस मरे हुए पुत्र को अपने तपोबल से जीवित किया, और जब जीवित किया तो उस बच्चे ने जीवित होकर के, राजा बोले आ बेटा तुझे गले लगा लूं, तू मेरा बेटा है। तब उस बेटे ने जो कहा, उस बेटे ने कहा पिताजी आप मेरे कौन हैं। अरे तू भूल गया मैं तेरा पिता। उस बच्चे ने कहा पिताजी आप मेरे पिता नहीं है, इस संसार में करोड़ों बार मैं जन्म लेकर और जन्म लेकर मर चुका, किस जन्म के आप पिता हैं। सुनो,
कोई किसी का पिता नहीं है और कोई किसी का पुत्र नहीं है इस संसार में, तो आप अपना कुछ कर्म दंड भोगने आए हैं। जिस दिन आपका हिसाब पूरा होगा उस दिन आपको जाना पड़ेगा। कोई आपका पिता नहीं और कोई आपका पुत्र नहीं। आप कहते हो कि ये तो मेरा बेटा है। ना साहब, वो बेटा कुछ दिनों का मेहमान है, आप कुछ दिनों के मेहमान हैं। आप लोग किसी कार्य की सिद्धि के लिए आए हैं और कार्य होते ही चले जाएंगे। कौन किसका है, एक छोटे से दृष्टांत से समझते हैं। अच्छा ये बताओ, मैं आप लोगों के नगर में आया भिंड में, मैं कितने दिन के लिए आया हूं भिंड, जोर से 7 दिन बाद मैं यहां से काम पूरा करके चला जाऊंगा। जैसे मैं 7 दिन के लिए आया, कोई काम करने आया, 7 दिन पूरा हुआ तो मैं चला गया। अच्छा मैं कहां जाऊंगा यहां से 7 दिन बाद, मैं वहीं जाऊंगा जहां से आया हूं। तो मैं 7 दिन के लिए आया, आप लोग 25, 50, 100 साल के लिए आए, मैं भी जहां से आया वहीं जाऊंगा, आप लोग भी जहां से आए हैं वहीं जाएंगे। मैं भी कुछ काम करने आया हूं, कुछ उद्देश्य लेकर आया हूं, आप भी अपना कोई ना कोई उद्देश्य लेकर आए हैं। इस संसार में ये पति पत्नी जो मिले हैं ये यात्रीगण हैं, ये आपके हैं नहीं। आपने मान लिया कि ये मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा पुत्र है नहीं। इस संसार में सब यात्री हैं। जैसे आप ट्रेन पर चलते हो तो ट्रेन पर सफर के दौरान आपको बहुत लोग मिल जाते हैं, ऐसे ही आपको स्त्री मिल गई, पुत्र मिल गया, परिवार मिल गया, आप उसी में रह गए कि ये मेरा है, ये आपका नहीं। सच्चाई ये है, आपका कौन, भगवान आपके हैं। ये संसार में जो हम आते हैं ना, जाने के लिए ही तो आते हैं। आप कहते हो ये मेरा बेटा है, सुनो, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, जिसका जितना टाइम पीरियड है वो उतना काम करके चला जाएगा या चली जाएगी। आप रोक सकते हैं क्या, उत्तर दो सरकार, क्या आप किसी जाते हुए को रोक सकते हैं? फिर उस बेटे ने कहा, पिताजी मैं तो आपका बेटा हूं ही नहीं, आपने मान लिया है, मैं तो आने जाने वाला मुसाफिर हूं, यात्री हूं। ऐसे ही हम सब मुसाफिर हैं, यात्री हैं, हम सब परदेसी हैं। इसलिए तो कहा कि परदेसियों से ना खियां मिलाना, क्योंकि परदेसियों को है एक दिन जाना। हम सबको जाना है, किस किस से मोहब्बत करें और जिस जिस से करोगे उस उसके लिए रोना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, आपने जिसको अपना मान लिया है उसी के लिए तो आप रोते हैं, जिसको आपने अपना नहीं माना उसके लिए आप रोते हैं? फिर इसलिए अपना उन्हें क्यों मानना, जो जाएंगे उन्हें मानो जो अपने हैं। उस बेटे ने कहा, पिताजी मेरा कोई नहीं है, मैं तो पिछले जन्म का कुछ हिसाब किताब, आपकी जो पत्नी है, आपका जो पति है वो पिछले, आपको पता नहीं है, एक सच्चाई आपको बताऊं, आपकी जो पत्नी, पति, बेटा, बेटी है ना, ये पिछले जन्म का कोई हिसाब बाकी था आपसे, वो चुकाने आए हैं। उस बेटे ने कहा, पिताजी मेरा आपसे कोई हिसाब बाकी था। क्या हिसाब था? अब वो बेटे का क्या हिसाब था जरा सुनो। उस बेटे ने कहा, पिताजी मैं पिछले जन्म में भिखारी था, आपके घर आया तो आपने मुझे गेहूं का आटा दिया, थोड़ा सा गाय का गोबर सूखा हुआ, ओपले कंडे आपने दिए, मैंने शाम को उन कंडों में आग लगाई और 5 रोटियां आपके आटे से बनाई, तो आपके आटे को जब गूथा और 5 रोटियां बनाई, तो 5 रोटियां जब बनाई आपकी, मैंने 5 रोटियां खाई, तो मैं 5 वर्ष तक आपका बेटा बना। मैंने उन चीटियों को जला के मार डाला, वो आग जो कंडे आपने दी उनमें बहुत सारी चीटियां थी, मैंने आग लगाई, सारी चीटियां जल के राख हो गई। मैंने उन चीटियों को जलाया, वो चीटियां आपकी
पत्नी बनकर आई और उन्होंने जहर देकर मुझे मार दिया। वो तो भगवान को भोग लगाकर भोजन किया तो एक जन्म में ही सबका हिसाब किताब चुक गया, वरना ना जाने कितने जन्म लेकर हिसाब किताब चुकाने पड़ते। तो ये जो आप मेरे पिता बने, मेरे माँ बनी या मैं आपका बेटा, ये मेरा आपसे पिछले जन्म का हिसाब। भैया ओ भैया रहने दो, अभी सब जहां जो है रहने दो, केवल सुनने में ध्यान लगाओ, सब जहां रहने दो, सब छोड़ो, आनंद से सुनो, है ना, कथा समेटो बस। तो एक बात समझो कि इस संसार में जो भी है, आपकी पत्नी कुछ हिसाब किताब चुकाने आई है, जिस दिन उसका हिसाब चुकेगा उस दिन पत्नी की छुट्टी, ऐसे ही पति की उस दिन छुट्टी जिस दिन हिसाब चुकेगा उस दिन बेटे की छुट्टी। मेरा 7 दिन पूरा होगा मेरी छुट्टी, आपका भी समय पूरा होगा छुट्टी, कोई रोक ना सकेगा। इसलिए ये संसार के यात्री गणों से क्या मोहब्बत करना, उससे मोहब्बत करो जिसने तुम्हें यात्रा पर भेजा है, परमात्मा है वो। कौन है, कौन है तुम्हारा? आप कहते हो ये मेरा, कोई मेरा नहीं। कबीर जी का एक भजन सुनाता हूं आपको। हाँ कोयलिया बोली रे, अम्मा की डाल अपनों को नहीं आ रे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आ रे। कौन है आपका? कोयलिया बोली। इस भजन को सुनना और सुन के समझना, सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे आपको जीवन के। कोयलिया बोली रे, अम्मा की डाल अपनों को नहीं आ रे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आ रे। कोयलिया बोली रे, अम्मा की डाल अपनों को नहीं आ रे। ये भजन केवल समझने का है, इसलिए समझिएगा मन लगा के। कोयलिया बोली रे, अम्मा की डाल अपनों को नहीं आ रे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आ रे। कोयलिया बोली रे, अम्मा की डाल अपनों को नहीं आ रे, राम रघुनंदन अपनों को नहीं आ रे। कोयलिया बोली रे, अम्मा की डाल अपनों को नहीं आ रे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आ रे। कोयलिया बोली रे, अम्मा की डाल अपनों को नहीं आ रे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आ रे। तालियों की सेवा सभी लोग, हाथ उठा के कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा रे भैया, बहन कहे भाई मेरा। माँ कहती है ये मेरा बेटा है, पत्नी कहती है ये मेरा पति है, लेकिन सच बताओ आप हो किसके?
मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा रे भैया, बहन कहे भाई मेरा, भाई कहे यह भुजा हमारी, भाई कहे यह भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा अपनो ओ नैया रे, बिना राम रघुनंदन अपनो को नैया रे, बोली रे हम वकीदार अपनों को नैया रे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया रे, कहते हैं कि जब तक हम जिंदा होते हैं ना तो लोग कहते हैं ये मेरा है, और जब आप मर जाएंगे ना तो लोग रोएंगे। अच्छा, आप लोगों के मरने पर लोग कितने दिन तक रोएंगे? भैया, आपके मरने पर कितने दिन रोएंगे लोग? हाँ, सुनो ध्यान से। 13 दिन तक पत्नी रोवे, पत्नी कितने दिन रोएगी? 13। और पत्नी मर जाएगी तो आप लोग कितने दिन रोएंगे? आप तो 2 दिन भी नहीं रोते। पत्नी तो फिर भी 13 दिन रोती है, पर पत्नी मर जाए तो पुरुष पत्नी के चिता की आग ठंडी नहीं हो पाती, और पुरुषों के दूसरे विवाह की चर्चा चालू हो जाती है। मैया, आपको क्या लगता है? आप कहती हो ना मेरा पति मेरे से बहुत प्यार करता है, हाँ, आप मर जाओगी तो दूसरी ले आएगा। तो जिनकी मर गई तो क्या उनमें से कुछ लोग ले नहीं आए? हाँ, सच्चाई तो ये है कि आप अंध झूठ में ही गलत फहमी पर जीते रहे। आपको लगा ये मेरा प्यार करने वाला, ये मैं इससे प्यार करती हूँ, ये मेरे से प्यार, कोई आपसे प्यार व्यार नहीं करता। आप मरोगे तो दूसरा ले आएगा या दूसरी ले आएगी, यही चल रहा है संसार में। सब तो नहीं है पर बहुत भी तो ऐसे हैं। इसलिए आपके मरने पर, हमारे मरने पर कौन रोएगा, कितने दिन रोएगा, जरा सुनो। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सगो भाई रे भैया, 6 महीना सगो भाई। कबीर दास जी कहते हैं 6 महीना भाई, शायद कबीर दास जी के जमाने में भैया रोता रहा हो 6 महीने में। आज का भाई तो 4 दिन ना रोए, बोले ठीक मर गया, उसकी संपत्ति भी हमारी हो गई, बांटना नहीं पड़ेगा। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सगो भाई रे भैया, 6 महीना सगो भाई। जन्म जन्म तक माता रोवे, जन्म जन्म तक माता रोवे, कर गए आस पराई अपनों को नैया रे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया रे, अपनों को नहीं आ रे।
वे बाह पकड़ सगो भाई रे भैया, बाह पकड़ सगो भाई। अच्छा आप लोग, जब हम लोग मर जाएंगे तो लोग रोएंगे, कैसे रोएंगे? लोगों के रोने का तरीका क्या होगा? हाँ, माछ पकड़ कर पत्नी रोवे, पत्नी माछा पकड़ के रोएगी। बाह पकड़ सगो भाई रे भैया, बाह पकड़ सगो भाई। पेट पकड़ के बता, पेट पकड़ के कौन रोता है? पेट पकड़ के माता रोवे, पेट पकड़ के माता रोवे। घर गए आस पराई अपनों को नहीं आरे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आरे। कोयलिया बोली रे आमला की डाल अपनों को नहीं आरे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आरे। देखो ये दुनिया रोएगी और रो रो के सब अपने घर चले जाएंगे, उनका कुछ नहीं बिगड़ना जो रोने आए हैं, बिगड़ना आपका है। इसलिए संसार के लिए इतना परेशान ना हो, मन भगवान में लगाओ, जगत से इतनी मोहब्बत अच्छी नहीं है। हाँ, जब मरोगे तो कबीरदास जी कह रहे हैं, 550 बराती आ गए, ले चल होई रे भैया, ले चल होई। जब आप मरोगे तो कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग कहेंगे भैया जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो, हम बड़ी दूर से आए हैं, लेट हो रहा है। 550 बराती आ गए, ले चल होई रे भैया, ले चल होई। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, स्वागत सबकी होई अपनों को नहीं आरे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आरे। और जब आपको लेकर चलेंगे ना तो चिता जलाई जाएगी, चिता पर आपको रख दिया जाएगा और शरीर आपका जलेगा। आप जिस शरीर से इतनी मोहब्बत करते हो, आपका यह शरीर कैसे जलेगा? जरा सुनो, हाड़ जले जस लाकड़ी, हड्डियां कैसे जलेंगी हमारी? लकड़ी की तरह। हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घास रे भैया, केस जले जस घास। सोने जैसी काया जल गई, सोने जैसी काया जल गई, ओ नया यो पासा अपनों को नहीं आए, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आए। कोयलिया बोली रे चिता पर आपका शरीर जलेगा तो हड्डी लकड़ी की तरह, बाल घास की तरह जलेंगे। अब बताओ क्या बचा आपका? मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा रे भैया, कहता था घर मेरा। तेरा है ना मेरा है यह, तेरा है ना मेरा है यह, है चिड़ियों का बसेरा अपनों को नहीं आरे, बिना राम रघुनंदन 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 अपनों को नहीं आरे। कोयलिया बोली रे अपनों को नहीं आ रे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं।
आपका क्या, राम के सिवा आपका? बिना राम रघुनंदन अपनो, मेरे संग बोलो, हमारा राम के सिवा, हमारा बोलो राम के सिवा। बिना राम रघुनंदन अपनो को नहीं यार। हाँ बेटा, कोयलिया बोली रे अमवा की डाल अपनो को नहीं यारे। बिना राम रघुनंदन अपनो को नहीं यारे। बाग लगाए बगीचा लगाए और लगाए केला रे भैया, और लगाए केला। इस पिंजरा से हंस निकल गओ, रह गओ चाम अकेला अपनो को नहीं यारे। देह समा गया आग के मुख में, बचा न कुछ भी तेरा रे भैया, कुछ भी तेरा। अरे पुण्य कमाई किया जो तूने, वही बचा अब तेरा अपनो को नहीं यारे। बिना राम रघुनंदन अपनो को नहीं यारे। पुत्र की बातें सुनकर चित्रकेतु का वैराग्य बढ़ गया, संसार से मन हटा और वह शिव जी को देखकर हंसे तो श्राप मिला। पार्वती जी ने कहा राक्षस हो जा, वही वृत्तासुर बना, आज इंद्र के हाथों मृत्यु हुई, परम गति हुई। एक बार भगवान प्रहलाद जी के लिए आए खंबा तोड़कर, यदा देवे सुवे देशु गौसु विप्रेसु साधुसु धर्मे मयि च विद्वेष सवा आशु विनश्यति। यदा देवेषु वेदेषु, जब जब धर्म की हानि हुई तब तब भगवान आए। प्रहलाद नाम के एक भक्त थे, उनके पिता का नाम था हिरण्यकश्यपु। छोटी सी अवस्था थी प्रहलाद जी की, और प्रहलाद जी बचपन से ही भगवान के बड़े भक्त थे। जब प्रहलाद जी भक्ति करते तो हिरण्यकश्यपु को बड़ी ईर्ष्या होती कि ये तो मेरे दुश्मन का नाम जप रहा है। उन्होंने बहुत प्रयास किया मारने का प्रहलाद जी को, पर प्रहलाद जी कैसे मरते बताएं मेरी माँ? जिसे बचाने वाले भगवान हो उन्हें कोई मार नहीं सकता, और जिन्हें मारने पर भगवान उतारू हो जाए फिर उन्हें कोई। इसलिए भरोसा किसका हो। हाँ, प्रहलाद जी के पिता का क्या नाम है बेटा, बता? आप बताओ। नहीं बता, अभी तो बताएं हम, आप बताओ। हाँ भैया बताओ, प्रहलाद जी के पिता का नाम हिरण्यकश्यप, हिरण्यकशिपु उनका नाम है। जो हिरण्यकश्यप हैं, हिरण्यकशिपु हैं, ये एक बार तपस्या करने गए तो इंद्र नारद जी से बोले, हे नारद जी, ये तपस्या करेगा तो जरूर उत्पात मचाएगा, इसकी तपस्या में व्यवधान करो। तो नारद जी तोता बन कर गए और वो तपस्या करने बैठा तो बोल दिया नारद जी ने, नारायण 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 नारायण। जब नारायण नारायण बोला तो हिरण्यकश्यपु को लगा मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है, उठ के घर आ गया। पत्नी ने बोला, स्वामी जी जल्दी आज आ गए क्या, तपस्या पूरी हो गई, भगवान जल्दी मिल गए क्या? बोले ना, आज मेरे दुश्मन का नाम लेने वाला एक आदमी, एक तोता आया, बोला नारायण नारायण, मैं चला आया, मैं भाग के आ गया। पत्नी कया धूने, आज पहली बार सुना कि मेरे पति ने मुख से नारायण बोला। क्या बोला? नारायण। अब तो भैया नारायण का नाम सुनते ही
पत्नी गदगद हो गई और उसी रात कयाधु गर्भवती हो गई। नाम जपते जपते कयाधु ने पानी का गिलास दिया, क्या बोला तोते ने? बोला नारायण। भोजन कराया, दिन भर पत्नी ने पति से नारायण जपाया और नारायण का चिंतन करते करते गर्भाधान हुआ तो नारायण का भक्त पैदा हो गया। गर्भवती स्त्री, इसलिए स्त्री और पुरुष दोनों के अंदर भक्ति होना जरूरी है, संस्कार होने जरूरी है। यदि माँ बाप संस्कारी हैं, भक्ति के लक्षण हैं, तो संतान में भक्ति के आचरण जरूर आएंगे, भक्ति के संस्कार जरूर आएंगे। और आप में यदि है ही नहीं तो फिर क्या होगा? आप लाख प्रयास कर लो, कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए मेरी माँ, बचपन से ही बच्चों को भक्ति के संस्कार दो और भक्ति की गंगा में डुबकी लगवाओ। कयाधु गर्भवती हुई, हिरण्यकश्यपु तपस्या करने गया, कयाधु का हरण इंद्र ने किया, इंद्र से नारद जी ने छुड़ाया और नारद जी से माता कयाधु ने कहा कि जब तक मेरे पति तपस्या करके ना लौटे मेरा बच्चा गर्भ में ही रहे। 10,000 वर्षों तक कयाधु के गर्भ में प्रहलाद जी रहे। कितने हजार वर्षों तक? नारद जी ने कहा अब तू जब तक तू नहीं चाहेगी तब तक बेटा पैदा नहीं होगा। जब हिरण्यकश्यपु तपस्या करके आए, वरदान मांगा, ना दिन को मरू ना रात को मरू, ना अस्त्र से मरू ना शस्त्र को मरू, ना आगे अंदर मरू ना बाहर मरू, 12 महीने में किसी महीने नहीं मरू। भगवान बोले तथास्तु ब्रह्मा जी। फिर हिरण्यकश्यपु जब आया तब प्रहलाद जी पैदा हुए और प्रहलाद जी को बड़ा लाड़ प्यार किया हिरण्यकश्यपु ने। और प्रहलाद जी थोड़ा बड़े हुए तो जब वो भजन करने लगे तो हिरण्यकश्यपु ने मारने के लिए अपनी बहन को बुलाया होलिका। बोले बैठ जा आग में लेकर। आग में लेकर बैठ गई तो होलिका तो जलकर भस्म हो गई पर प्रहलाद जी का बाल भी मां का ना हुआ। प्रहलाद जी का बाल भी मां का ना हुआ। हिरण्यकश्यपु ने गुरुकुल में पढ़ने भेजा पर वो गुरुकुल में भी गलत पढ़ाई हो रही थी। पढ़ाई शिक्षा कितने प्रकार की होती है? आपके भिंड में कितने प्रकार की पढ़ाई पढ़ाई जा रही है? मैया, ओ मेरी माँ, सुन रही हो मेरी माँ? कितने प्रकार की पढ़ाई होती है चलो बताओ। हाँ, कितने विषय होते हैं? 6। हमारे यहां केवल 4 सब्जेक्ट। हिंदू परंपरा में, हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति में कितनी पढ़ाई होती है? कितने विषय हैं शिक्षा के? 4। 4 विषय हैं। वो चारों विषय कौन है? पहला धर्म की शिक्षा, पहला, दूसरा अर्थ की शिक्षा, तीसरा काम की शिक्षा और चौथा मोक्ष की शिक्षा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यही है सबसे बड़ी शिक्षा। जिसने धर्म की शिक्षा ना पाई और मोक्ष की शिक्षा ना पाई, आज आप लोग जो पढ़ते हैं ना, आज स्कूलों में केवल 2 प्रकार की शिक्षा है, एक अर्थ की और एक काम की। ना धर्म की शिक्षा बची ना मोक्ष की शिक्षा बची। आज आप लोग जो पढ़ते हैं, उस पढ़ के आप लोग पढ़ के आप क्या करते हैं? पैसा कमाते हैं। तो अर्थ, आपकी शिक्षा से आपको क्या मिल रहा है? जोर से, आपकी पढ़ाई से आपको क्या मिलता है? पैसा। अर्थ तो मिल रहा है, क्या आपकी पढ़ाई से आपको मोक्ष मिलने की संभावना है? आपकी पढ़ाई, आज की शिक्षा आपको अर्थ तो दिला सकती है, आज की शिक्षा काम दिला। इसलिए आज देखो ना, लड़के लड़कियां पढ़ने जाते हैं तो पढ़ने लिखने में वो काम वासना में डूब जाते हैं। तो अर्थ और काम तो मिल रहा है, कामनाओं की पूर्ति तो हो रही है, पर ना धर्म की कहीं बातें हैं ना कहीं मोक्ष की बातें। आज स्कूलों में, आज पूरी दुनिया के स्कूलों में अर्थ और काम की शिक्षा तो है पर धर्म और मोक्ष की शिक्षा गायब हो गई है। हमारे यहां 4 ये जो शिक्षा है ये तो थी, इससे भी बढ़िया थी ये क्या है? पर पहली शिक्षा क्या है? पहले बच्चों को धर्म का पाठ पढ़ाओ। आपका बेटा डॉक्टर है, इंजीनियर है, पायलट है, आपका बेटा बड़े बड़े पद में है, लेकिन आपके बेटे को धर्म का ज्ञान नहीं है।
तो जिसे धर्म का ज्ञान नहीं है वो अच्छा डॉक्टर नहीं हो सकता। अच्छा डॉक्टर वही हो सकता है जिसको धर्म का ज्ञान है, और धर्म का ज्ञान होगा तो वो डॉक्टरी में धर्म को लेकर आएगा और धर्म युक्त काम करेगा, वो अधर्म नहीं करेगा, वो मुर्दों को भर्ती नहीं करेगा। जिसको धर्म का ज्ञान नहीं है वो डॉक्टर मुर्दे को भी भर्ती कर लेते हैं कि चलो दो दिन भर्ती करेंगे, वेंटिलेटर पे लेटाएंगे, चार्ज ले लेंगे, पैसा ले लेंगे, बाद में बोल देंगे सॉरी। धर्म का ज्ञान होता तो बेईमानी ना होती। किसी भी फील्ड की बात कर रहा हूं, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पायलट हो, एडवोकेट हो, साइंटिस्ट हो, किसी भी क्षेत्र का। इसलिए पहले क्या होना चाहिए, जोर से, राम ने क्या पढ़ा? केवल अर्थ और काम की पढ़ाई पढ़ी थी क्या? धर्म और मोक्ष की भी पढ़ाई पढ़ी थी। प्रहलाद जी आए, पिता को 9 बातें सुनाए। भक्ति कितने प्रकार की होती है मेरी मां? मैया, भक्ति कितने प्रकार की होती है? 9। कौन कौन सी? श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंग। पहली भक्ति क्या है? श्रवणम। पहली भक्ति है कथा सुनना, दूसरी भक्ति है कथा को प्रेम से सुनना, तीसरी भक्ति है गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान सेवा करना, तीसरी चौथी भगति मम गुण गण करहिं कपट तजिगान, भगवान का गुणगान निष्कपट भाव से करना, और पांचवी भक्ति है विश्वास। चलो, आप में से कितने लोगों को भगवान पर विश्वास है, हाथ उठाओ। मैया, ओ पंचायती मैया, हाँ हाँ, ये सुनो मेरी माँ, आपको भगवान पर विश्वास नहीं है? ये सुन ही नहीं रही थी जब हम पूछ रहे थे, ये प्रपंच में लगी थी। बताओ आप में से कितने लोगों को भगवान पर विश्वास है? आपको नहीं है, हाथ उठाओ। चलो अब नीचे करो। अब ये बताओ, क्या सुई के छेद से और हाथी और घोड़ा निकल सकता है? हाँ या ना, उत्तर दो ना। बताओ, क्या सुई के छेद से हाथी घोड़ा निकल सकता है? बोलो हाँ या ना। मैया, क्या सुई के छेद से हाथी घोड़ा निकल सकता है? ना, आप कह रहे ना। अच्छा ये बताओ, एक बंदर समुद्र को छलांग लगा के पार कर सकता है क्या? एक बंदर, हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। हाँ हाँ, एक बंदर समुद्र को छलांग लगा के पार कर सकता है। श्री हनुमान जी कर गए। अच्छा ये बताओ, इतने से मुंह में श्याम सुंदर ने यशोदा मैया को पूरा क्या दिखाया था? जोर से, इतने से मुंह में, आप सोचो, इतने से मुंह में जो पूरा ब्रह्मांड समा सकता है, वो चाहे तो सुई के छेद से हाथी और घोड़ा क्या पूरी दुनिया निकाल सकता है? निकाल सकता है कि नहीं? पर आप लोग क्या कहते हैं, नहीं निकल सकता। आप क्या कहते हैं, नहीं निकल सकता। चलो ये बताओ, आप में से कितने लोगों को भगवान पर विश्वास है? फिर से कंफर्म कराओ। अब ये बताओ, आप में से कितने लोगों के जीवन में चिंता और टेंशन है? जिनके जीवन में टेंशन है, चिंता है, डिप्रेशन है, वो हाथ उठाएं। आज दूर ना कर दिया तो फिर बताना। आज जिनके टेंशन चिंता है हाथ उठाओ फटाफट, जिनके चिंता और टेंशन है, आज के आज मिटाऊंगा आपकी चिंता और टेंशन, हाथ उठा के पहले बताओ। हाथ उठा लो फास्ट, चिंता टेंशन वाले लोग उठा लिए। चलो अब नीचे करो।
आज आपकी चिंता मिटा के रहूंगा, आज आपकी टेंशन मिटेगी। देखो चिंता मिटने की बात कही, संतों का दर्शन हो गया। तो आज हम आप में से कितनों की चिंता दूर कर दें? कौन कौन चाहता है कि हम आपकी चिंता दूर कर दें? चलो कन्फर्म आज करके ही जाएंगे। अब एक काम करो, आप लोग अपना जरा ऐसे मुंह फुलाओ, ऐसे मुंह फुलाओ फास्ट। मैया फुलाओ मेरी मां, अब ठहाका लगाओ। सब लोग लगाओ। अब ये बताओ कि क्या मुंह और ठहाका, मुंह फूलना और ठहाका लगना, क्या ये दोनों काम एक साथ हो सकते हैं? जोर से, क्या मुंह फूलना ऐसे मुंह भी फूल जाए और ठहाका भी लग जाए, कि दोनों काम एक साथ हो सकते हैं? नहीं। तो फिर आपने अभी क्या बताया? हम भगवान पर विश्वास करते हैं। और फिर आपने कहा हमें चिंता है। अरे जिन्हें विश्वास है उन्हें चिंता किस बात की, और जिन्हें चिंता है तो विश्वास कैसा? आप गलत बोल रहे हैं। या तो आपको चिंता है या तो आपको विश्वास है, दोनों नहीं हो सकता। जैसे मुंह फुलाना और ठहाका लगाना दोनों एक साथ नहीं हो सकता, वैसे चिंता और विश्वास एक साथ नहीं हो सकता। अब ये बताओ कि आपको भगवान पर विश्वास है या चिंता है? जोर से एक बात बताएं। मेरी माँ आप कहती हो, आप भैया कहते हो हमें चिंता है। अरे भैया तुम चिंता क्यों करते हो? तुम भगवान का चिंतन करो सही, तुम उनका चिंतन करो तो सही, वो करेंगे तुम्हारी चिंता, तुम क्यों करते हो? सुदामा को कोई चिंता थी क्या? जोर से, सुदामा तो केवल कृष्ण का चिंतन करते थे। सुदामा तो केवल कृष्ण का चिंतन करते थे। सुदामा चिंतन करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम कृष्ण का चिंतन करो। अब कृष्ण की जिम्मेदारी है कि वो तुम्हारी चिंता करेंगे, तुम खुद क्यों करते हो? आप लोग उनका चिंतन करो, वो आपकी चिंता करेंगे। आप कहते हो भगवान पर विश्वास है, आप कहते हैं हमें भगवान पर विश्वास है, और कहते हो चिंता है। ना मेरी मां, जब विश्वास कर लिया तो तेरी मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। प्रभु मैं तो आपका हो गया जैसे छोटा सा बच्चा, कोई चिंता नहीं करता, उसकी चिंता उसकी माँ करती है। ऐसे भक्त बनकर शरण में चले जाओ भगवान की, भगवान चिंता करेंगे, आप निश्चिंत रहना। तो आज से चिंता नहीं करेंगे, क्या करेंगे? जोर से भगवान का चिंतन। और आपके चिंता करने से कुछ ना होगा, विश्वास करो भगवान सब वो, आप अपना कर्म करो, आगे की जिम्मेदारी भगवान की। विश्वास रखो भगवान पर, कर्म ईमानदारी से करो, फिर देखना चिंताएं मिट जाएंगी, आप सुखी हो जाएंगे। प्रहलाद जी ने कहा पांचवी भक्ति विश्वास, भगवान का नाम मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। भगवान का नाम किसके साथ जपना है? विश्वास के साथ। तो कितने लोग भगवान पर विश्वास करेंगे? और चिंता का त्याग कर दो। विश्वास है तो चिंता नहीं होनी चाहिए। आप लोग कहते हो ना विश्वास है, विश्वास नहीं है आपको, आपको तो केवल चिंता है। आप कहते हैं मेरी बेटी का ब्याह कब होगा महाराज,
मेरा दुख दूर कब होगा महाराज, मेरा घर कब बनेगा महाराज, मेरा कर्जा कब दूर होगा महाराज, मेरे बेटे की नौकरी कब लगेगी महाराज, मेरे शरीर का दर्द कब ठीक होगा महाराज। मेरी माँ ये जो तुम्हारे दुख हैं, ये तो तुम्हारे दुख तुम्हारे कर्मों से मिलने ही मिलने। इन दुखों को कोई माई का लाल दूर नहीं कर सकता। यदि संसार में आपका दुख कोई दूर कर सकता तो अब तक कोई कर देता। यदि दुख दूर कोई कर सकता है तो केवल भगवान दुख दूर कर सकते हैं। इसलिए क्यों किसी को पुकारना, क्यों दर दर की ठोकर खाना, क्यों ना भगवान के भरोसे रहना। आपका दुख कोई दूर नहीं कर सकता। बताओ, भीष्म पितामह भक्त है ना, पर बाणों की सैया पर लेटना पड़ा कि नहीं, हाँ या ना। अर्जुन भक्त है या नहीं, जोर से हाँ या ना। अर्जुन भक्त है लेकिन 12 साल वनवास जाना पड़ा। तुम कितने भी बड़े भक्त हो, सुदामा भक्त थे पर भाग्य में गरीबी थी तो भोगना पड़ा। जो तुम्हारे हिस्से का दुख है, चाहे हंस के उठाओ चाहे रो के उठाओ, कहीं माथा पीटने से तुम्हारा दुख दूर होता तो आज तक सबका दुख दूर हो जाता। इसलिए पागलों की तरह यहां वहां माथा ना पीटो, केवल भगवान के चरणों में विश्वास रखो। माथा पटकना है तो भगवान के चरणों में, हे प्रभु मैं आपका हूं, मैं आपकी हूं। यदि कोई दुख दूर कर सकता तो द्रौपदी का कोई दुख दूर कर देता, पितामह का दुख दूर कर देता। हमारे हिस्से का दुख हमें भोगना पड़ेगा, जो हमने कर्म किए हैं अच्छे या बुरे भोगना पड़ेगा। हंस के भोगे या, इसलिए भोगो। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये ईश्वर की कर्म विधान है। आप लोगों को लगता है कि बाबा जी महाराज जी मंत्र पढ़ दें हमारा दुख दूर हो जाए, ना ऐसा कोई मंत्र नहीं है जिसको पढ़ के आप अपना दुख दूर कर लो। एक ही मंत्र है, केवल कृष्ण नाम, एक राम नाम। राम की शरण में जाओ, भगवान को रोकर पुकारो, वो दुख दूर करेंगे तो दुख दूर होगा, इंसानों के बस की नहीं है। इसलिए भोगना सीखो, हमारे जो दुख हैं वो हमें भोगने हैं। बड़े बड़े संतों ने अपना कष्ट भोगा है, बड़े बड़े संतों ने अपना कर्मदंड भोगा है। भगवान राम को 12-14 साल का वनवास मिला, उनका ही अपना कर्मदंड था। माता सीता को वनवास मिला, जाना तो पड़ेगा ना साहब। फिर अच्छा ये बताओ, एक छोटा सा प्रश्न आपसे मैं पूछ लूं। भगवान राम ने माता सीता को वनवास भेजा, ये सुना है आप लोगों ने। अच्छा ये बताओ, माता सीता के वनवास जाने में कारण कौन था, जिम्मेदार कौन था? जब माता सीता रावण के यहां से वापस आई, राम जी के साथ रही और राम जी राजा बने, सीता मैया रानी बनी, उस समय एक किसी धोबी के कहने से भगवान राम ने माता सीता को निकाल दिया। क्या किसी के कहने से राम जी ने सीता मां को निकाल दिया? क्या ये राम जी का निर्णय और न्याय सही था? उत्तर दो, सवाल है आपसे। क्या किसी के कहने से अपनी पत्नी को निकाल देना सही था? उत्तर हां या ना में। मां मैया भैया ध्यान से सुनना सरकार, बहुत गंभीर बातें आपको सुना रहा हूं, सुनिएगा। बताओ, राम जी ने माता सीता को वनवास भेजकर राम जी ने सही किया या गलत किया, या सही या गलत ये तो अपनी जगह है, ये बताओ माता सीता के वनवास जाने में जिम्मेदार कौन था? उत्तर दो, कौन जिम्मेदार था? ये मैया बताएंगी। द्रौपदी, कौन? द्रौपदी, धोबी,
बताओ माता सीता के वनवास जाने में जिम्मेदार कौन था? ये मैया कह रही है वो धोबी जिम्मेदार था। आप बताइए आप किसे जिम्मेदार मानेंगे, उत्तर दीजिए आप। माता सीता के वनवास जाने में जिम्मेदार कौन था, उस जिम्मेदार का नाम बताओ। आप बताओ, कोई नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई जिम्मेदार ना हो? धोबी कौन? उर्मिला। आप बताओ मैया, आप बताओ। चलो भैया लोग बताएंगे कौन, माता सीता, ये मैया बताएंगी। इस तरफ की मैया बताओ, मैया टाटा बताओ मेरी माँ, कौन जिम्मेदार था? राम जी। इस तरफ एक भैया बोल रहे हैं राम जी। आज थोड़ा इस पर विचार कर लें, आज मैं जिम्मेदार को लाकर आपके सामने खड़ा कर दूं, कर दूं। सुनो फिर मन लगाकर सुनना, एक भी शब्द ना गवाना, ध्यान से सुनना। आज मैं उस जिम्मेदार को पकड़ कर लाऊंगा जो माता सीता के वनवास का जिम्मेदार है। उस जिम्मेदार को आज हम आपके समक्ष पेश करेंगे। सुनो, कार्यवाही शुरू होती है। अब इसको समझने के लिए हमें अतीत में जाना पड़ेगा, पुराना समय याद करना पड़ेगा। चलो वाल्मीकि रामायण से शुरू करते हैं। जब माता सीता गर्भवती हो, ध्यान से सुनना एक एक अक्षर, एक एक शब्द, फिर मैं आखिरी में पूछूंगा कि जिम्मेदार कौन। आप लोग पकड़ के लाना उस जिम्मेदार को। हाँ, मैं बता दूंगा पूरी कहानी, लाना आपको है। सुनो, जब भगवान राम राजा थे, सिया जी रानी थी, जब माता गर्भवती हुई, ये उन दिनों की बात है जब माता सीता अयोध्या में राजमहलों में रहती हुई गर्भवती हो गई। तब भगवान राम को माता सीता ने कहा कि प्रभु आप पिता बनने वाले हैं, आपको मैं खुशखबरी देना चाहती हूँ। सीता मैया ने जब कहा कि राम आप पिता बनने वाले हैं, राम जी खुशी से नाचने लगे। आपने बहुत अच्छी सूचना दी, सीते बताओ मैं तुम्हें क्या दूं। रघुकुल रीत सदा चली आई, आज जो मांगोगी आज तुम्हारा राम तुम्हें देगा। माता सीता ने कहा राम यदि आप मुझे देना चाहते हैं। जब सीता माँ गर्भवती थी तो उन्होंने राम जी से मांगा। क्या मांगा? राम जी ने कहा कुछ मांग लो। सीता माँ ने मांगा कि जब आप देना ही चाहते हैं तो आप मुझे वनवास दे दीजिए। सीता मैया ने मांगा, क्यों? सीता मैया ने कहा कि मेरे जो बच्चे हैं यदि वो संतों की कुटिया में जन्म लेंगे तो संतों के संस्कार बच्चों पर आएंगे, इसलिए मैं संतों के आश्रमों में अपने बच्चे को जन्म देना चाहती हूं, ये राज महलों में जन्म नहीं देना चाहती। ये बात किसने कही थी? माता सीता ने। कहां लिखी है ये बात? वाल्मीकि रामायण में ये बात लिखी है। माता सीता ने खुद कहा राम जी से कि मुझे संतों के आश्रमों में अपने पुत्र को जन्म देना ताकि हमारे बच्चे के संस्कार कैसे हों, संतों जैसे। ये माता सीता ने। अब दूसरी बात पर आते हैं। जब राम जी ने माता सीता से सुना कि वनवास मांग रही है माता सीता, तो राम जी चुप कर गए, कुछ नहीं बोला। कुछ दिन बाद एक आवाज सुनाई पड़ी, एक धोबी की पत्नी अयोध्या में काम करने आती थी, रात्रि को वो एक केवट के यहां पर रात्रि को रुक गई क्योंकि केवट नाव से पार नहीं लगा सकता था, पानी गिर रहा था। सवेरे जब धोबी की पत्नी गई तो धोबी भाई ने कहा कहां थी रात भर? बोली पानी गिरने लगा, नाव रात को चल नहीं सकती थी तो मैं कुटिया पर रुक गई, केवट भैया की कुटिया पर, उनकी पत्नी के संग में थी। धोबी बोला मैं कोई राम थोड़ी हूं जो पराए पुरुष के पास पत्नी रहे और उसे स्वीकार कर ले, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। लो भैया, राम पर ये उंगली उठनी स्टार्ट हो गई। ये बात जब माता सीता और राम जी तक आई तो राम जी ने कुछ निर्णय लिया। सारी अयोध्या में एक आवाज थी कि सीता मैया
रावण के पास रहकर आई है, यह अयोध्या की महारानी बनने के लायक नहीं है। लोगों ने कहा क्या इन्होंने परीक्षा दी, अग्नि परीक्षा दी? लोगों ने बताया कि लंका से आते समय दी थी। लोगों ने कहा हमने थोड़ी देखी थी। अब लो भैया, अब राम जी धर्म संकट में आ गए। राम जी केवल सीता मां के पति नहीं थे, राम जी अयोध्या के राजा थे। और आपसे एक सवाल पूछूंगा, राजा का धर्म क्या है? प्रजा की बात मानना या परिवार की बात मानना? जोर से, राजा का धर्म है प्रजा की बात मानना। तो राम जी ने प्रजा की बात मानी और सीता मां को कहा कि आपने तो बोला ही था कि मुझे वनवास जाना है, तो आपका भी काम हो जाएगा, आपका भी वचन पूरा हो जाएगा और प्रजा की भी संतुष्टि हो जाएगी। सीता वही करो जिससे प्रजा का हित हो। तब सीता मां ने स्वयं ने निर्णय लिया और राम जी ने कोई वनवास में छोड़ा नहीं था। प्रॉपरली लेकर लक्ष्मण जी गए और प्रॉपर श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में छोड़कर आए। और ये वाल्मीकि जी के आश्रम में सीता मैया 14 वर्ष के वनवास के दौरान भी रह चुकी थी, वहां का अनुभव था माता सीता को। तो ये माता सीता का वनवास, इसमें राम जी क्या जिम्मेदार हैं? राम जी की प्रजा कह रही है, तो राजा का धर्म है प्रजा की बात सुनना और राम जी ने वही किया। अब जो सबसे गहरा कारण है, ये कारण तो आप सब जानते ही थे जो मैंने बताए, आपसे ये कोई छिपा नहीं था, मैंने कोई नई बात नहीं बताई। अब मैं वो बताने जा रहा हूं जो शायद आप में से कुछ लोग ही जानते हैं। आज मैं चाहूंगा कि भिंड के सारे लोग वो बात जाने, वो रहस्य जाने जो रहस्य जानने योग्य है। अब वो रहस्य मैं आपको बता रहा हूं जो आपको जान लेना चाहिए। माता सीता के वनवास का जो सबसे ठोस कारण था, वो सबसे ठोस कारण मैं देने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आप सब जानते हैं कि जब रावण मरा, जब रावण मरा तो राम जी से मिलने लंका में दशरथ जी आए थे। ये बात कितने लोग जानते हैं? रामचरितमानस में ये बात लिखी है, स्पष्ट लिखी है कि जब रावण मरा तो अयोध्यापति श्री दशरथ जी स्वर्ग से राम जी से मिलने आए और राम जी से कहा, राम मैं तुम्हारी मर्यादा और तुम्हारे धर्म से प्रसन्न हुआ, कुछ मांग लो बेटा। राम जी ने कहा मैं कुछ नहीं चाहता, पिताजी आप कहो तो मैं आपको जीवित कर सकता हूं। दशरथ जी बोले मैं जीवन नहीं लेना चाहता बेटा, अब मैं तुझे राजा बनता हुआ देखना चाहता हूं, लेकिन एक छोटा सा मेरा काम कर देना मेरे राम। क्या काम पिताजी? दशरथ जी ने कहा मेरी अभी 2000 साल उम्र बाकी है। दशरथ जी कोई अपनी मृत्यु से थोड़ी मरे थे, वो तो राम के वियोग में मरे थे। अभी दशरथ जी की उम्र कितनी बाकी थी? जोर से, 2000 वर्ष। तो दशरथ जी ने राम जी से कहा हे रघुनंदन, मेरी 2000 साल उम्र तुम ले लो। और तब से कहावत चालू हो गई कि मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। आप जिससे अत्यधिक प्रेम करते हो, आप उससे क्या कहते हो कि मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। सबसे पहले किसने किसको अपनी उम्र दी? तो दशरथ जी ने अपनी 2000 साल की उम्र राम जी को दी। सबसे पहले दशरथ जी ने उम्र दी। अब दशरथ जी चले गए। चलो बताओ राम जी इस धरती पर कितने साल उन्होंने राज्य किया? राम जी का शासन काल कार्यकाल कितने वर्षों का था? जोर से, नहीं जानते हो? इतनी सी बात, भगवान राम ने इस धरती पर 11,000 वर्षों तक राज्य किया। एक प्रमाण यह है और दूसरा प्रमाण भागवत जी में लिखा है राम जी ने 13,000 वर्षों तक राज्य किया। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे अभी कि 11 सही है कि 13, दोनों सही। मैं दोनों को सिद्ध करके बताता हूं, यही तो आपको समझाना था। सुनो, राम जी का कार्यकाल तो था 11,000 साल का, लेकिन पिता ने उम्र दे दी कितने साल?
2000 तो 11 और 2 13 तो राम जी ने 11000 वर्ष तक तो अपना कार्यकाल किया और जो 2000 वर्ष का राज्य था वो पिता का कार्यकाल पूरा किया, वो अपना नहीं था। इसलिए राम जी ने माता सीता को वनवास कब भेजा? जब राम जी के 11 राम जी सीता मैया के साथ 11000 वर्षों तक तो साथ रहे। कितने साल साथ में रहे? 11000 वर्षों तक। जब 11000 वर्ष पूरे हो गए तब राम जी को लगा अब तो पिता की आयु स्टार्ट हो गई, और पिता की आयु यदि चालू हो गई, पिता की उम्र चालू हो गई, पिता की सत्ता चालू हो गई, तो पिता की उम्र से राम जी अपनी पत्नी का स्पर्श करते तो मर्यादा बिगड़ जाती। बताओ बिगड़ती कि नहीं? पिता की आयु से यदि सीता माँ का स्पर्श होता तो वो ससुर सीता का स्पर्श करते ससुर बहू तो मर्यादा बिगड़ती। इसलिए राम जी ने कहा कि अब पिता की आयु चल रही है सीते, अब मुझे पिता की आयु में रहना है, इसलिए आपका वनवास, इसलिए सीता माँ को वनवास, क्योंकि वो पिता की आयु थी। और रही राम जी की बात, यदि राम जी को माता सीता पर कोई संदेह होता तो रावण के यहां जिस दिन आई थी माता सीता उसी दिन राम जी त्याग देते। यदि राम जी को सीता मैया पर कोई डाउट होता तो राम जी उसी दिन त्याग देते जिस दिन रावण के यहां से आई हैं। क्या राम जी को सीता माता पर कोई संदेह था? था तो फिर उसी दिन त्यागते ना, फिर इतने दिन साथ में क्यों रहे? इसका मतलब राम जी को सीता पर कोई माता सीता पर कोई संदेह? ये तो समाज है साहब, इसलिए आप लोग कहते हो ना लोग क्या कहेंगे, कहने वालों ने तो माता सीता को भी कहा, इसलिए परवाह ना किया करो कि लोग क्या कहेंगे, लोग तो कहने ही बैठे हैं। आप तो अच्छा काम करते रहो, लोग कहने ही बैठे हैं, लोगों ने तो माता सीता को भी कहा है, कहने वालों ने तो माता सीता को भी नहीं छोड़ा। एक छोटा सवाल करूंगा यहां मैं आपसे, एक बात बताओ कि रावण ने जिन सीता मां को चुराया वो सीता मां कौन थी? क्या असली सीता मां को चुराया या छाया सीता को चुराया? रावण ने सीता मां को चुराया तो असली सीता मां को चुराया कि छाया सीता को चुराया? आप बताओ, असली सब बोलो, क्या असली सीता को रावण ने चुराया था? तो बताओ उस समय असली सीता मां कहां थी? अग्नि में वास कर रही थी। और वो जो छाया सीता थी वो कौन थी? वो माता वेदवती थी। मैया कौन थी? वो जोर से, वो माता वेदवती थी। असली सीता अग्नि में वास कर रही थी। रामचरितमानस में ही लिखा है ये सब कि मैं निशाचरों का जब तक नाश करूंगा तुम अग्नि में वास करो माता सीता। तो रावण ने जो सीता चुराई वो नकली छाया सीता, वो माता वेदवती थी। एक बार वेदवती कौन है? ये ब्रह्मा जी की पुत्री है वेदवती। ये तपस्या कर रही थी राम को पति के रूप में पाने के लिए। रावण चला गया, इनकी तपस्या बिगाड़ी, इन्होंने श्राप दे दिया, तूने मेरी तपस्या बिगाड़ी है, मेरे कारण तेरा सर्वनाश होगा। वही सीता बनकर आई, राम को पति के रूप में चाहती थी और रावण का उन्हीं के कारण सर्वनाश हुआ। फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको पति के रूप में कब प्राप्त करूंगी? तब राम जी ने कहा कलयुग में पा लेना। वही वेदवती कलयुग में पद्मावती बनकर आई और वही राम तिरुपति बालाजी बनकर आए। और तिरुपति बालाजी का नाम तो सुना होगा, तिरुपति बालाजी का विवाह माता पद्मावती से हुआ। वही थी वो विवाह इस जन्म में यहां कलयुग में संपन्न हुआ, त्रेता वाला। तो रावण ने जो चुराया वो असली चुराया ही नहीं था, ये बात तो भगवान जानते थे, तो राम जी को थोड़ी संदेह था। इसलिए कुछ लोग संदेह करते हैं माता सीता और राम के इस प्रसंग पर, इसलिए हमने आपको क्लियर बताया। इसका एक और कारण है, एक बार क्या हुआ, एक तोते की कथा मिलती है पद्म पुराण में। एक बार माता सीता ने
एक तोती को पिंजरे में बंद कर लिया। वो तोती बढ़िया बढ़िया राम जी की कथा सुनाती थी। तोती गर्भवती थी। तोती बोली, सीता मुझे छोड़ दो, मैं गर्भवती हूँ, मेरा तोता इंतजार कर रहा होगा। तोती को नहीं छोड़ा, सोने के पिंजरे में रखा, खाने को 56 भोग दिया, पर पिंजरा तो पिंजरा है। तोती बेचारी मर गई। तोती मर गई तड़प तड़प कर, और माता सीता ने छोड़ा नहीं उसे। वो तोती जब मरी तो तोती का जो तोता था उस तोते ने श्राप दे दिया, ए सीता, तुमने मेरी पत्नी को गर्भावस्था में मुझसे दूर कर दिया, जाओ जब तुम गर्भवती होगी तो तुम्हारे पति भी तुम्हें अपने से दूर कर देंगे और कारण मैं बनूंगा। वही तोता अगले जन्म में धोबी बनकर पैदा हुआ। वो धोबी का भी पिछला जन्म था, धोबी का भी कोई दोष नहीं था। तोता वो बनकर आया और माता सीता, आप लोग ना पशु पक्षी, आप लोग ना तोता पिंजरे में पालते हो, किसी पक्षी को पिंजरे में कैद ना करो। पालने का शौक है तो एक आम का, एक बट का पेड़ लगा दो, अपने आप सैकड़ों तोता उसमें घोंसला बनाएंगे, रहेंगे, आशीर्वाद देंगे। पिंजरे में किसी पक्षी को ना डालो, पाप लगेगा। और सीता मां का वनवास इस कारण हुआ। बाद में माता सीता जब लवकुश हुए तो लवकुश राम जी के पास गए और लवकुश ने कहा राम जी से, मैं आपका पुत्र हूं। अब राम जी कंफ्यूज हो गए, कोई बेटा आए और कहे कि तुम मेरे बाप हो तो भाई, जब तक मां ना कहे। तो सीता मां को बुलाया गया, राम जी ने भरी सभा में पूछा, सीता क्या ये पुत्र मेरे हैं? तो माता सीता ने कहा, हे रघुनंदन, अग्नि को साक्षी मानकर, देवताओं को साक्षी मानकर सीता कहती है, आकाश को साक्षी मानकर, यदि ये पुत्र आपके हैं तो हे पृथ्वी मां, आप मुझे अपनी गोद में स्थान दे दो। यदि ये पुत्र, मैंने स्वप्न में भी राम के सिवा पर पुरुष का चिंतन ना किया हो तो हे पृथ्वी मां, अपनी गोद में स्थान दो। कहते ही पृथ्वी फट गई, माता सीता पृथ्वी पर समा गई और ये सिद्ध हो गया कि ये लवकुश राम जी के पुत्र हैं और सीता मां निर्दोष है। सीता मां निर्दोष है। अब आपसे मेरा सवाल, सीता मां के वनवास में आपको कौन कारण समझ में आया? ना तो धोबी कारण है, ना तो राम जी कारण है, ना तो प्रजा कारण है, ना तो माता सीता ही कारण है। ये तो केवल भगवान की लीला थी और साहब ये लीला हुई। ये क्या थी भगवान की? सिर्फ लीला। इसे लीला के दृष्टिकोण से देखो, सीता और राम तो पल भर भी अलग नहीं है। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। वो एक पल के लिए अलग नहीं हो सकते तो सीता मां का वनवास कैसे हो सके? वो तो लीला है, इसलिए इन्हें अलग नहीं मानना चाहिए। लीला को लीला की दृष्टि से देखना चाहिए, संदेह की दृष्टि से नहीं। इसलिए प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति सुनाई, हिरण्यकश्यपु ने बोला तेरा भगवान कहां है? बोले कहां नहीं है, कैस खंबे पर है। हां, जो प्रहार किया, खंबा तोड़कर नरसिंह भगवान प्रकट हुए और हिरण्यकश्यपु को लेटा कर छाती नख से विदीर्ण कर दी। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। भगवान नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु को मारा। इसके बाद गजेंद्र पर भगवान ने कृपा की, समुद्र मंथन हुआ, मोहिनी धनवंतरी कक्षप मोहिनी अवतार लिए। राजा बलि के द्वार पर वामन भगवान भिक्षा मांगने आए। वामन भगवान क्या मांगने आए, किसके द्वार पर? जब देवासुर संग्राम हुआ, राजा बलि मारे गए, संजीवनी बूटी देकर शुक्राचार्य जी ने जीवित किया, तब देवताओं पर कब्जा कर लिया, तब वामन भगवान ने प्रकट होकर के 3 पग राजा बलि से कितनी पग भूमि मांगी? 3 पग भूमि। आप लोगों से एक बात कहें साहब, आप लोग भी मरने के पहले हो सके तो कुछ भूमि दान जरूर करना। भूमि दान करने से जीवन में कभी भूमि की कमी नहीं होती।
भूमि की, इसलिए गौरी गोपाल गौशाला में गायों के गौचर भूमि के लिए आप एक गज दो गज चार गज भूमि दान जरूर करें। आज पूर्णिमा की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पूर्णिमा में कुछ अच्छा संकल्प कर लो ताकि आपका कार्य पूर्ण हो जाए और भगवान आपके जीवन के हर कार्य को पूर्ण करें, ऐसी कृपा बनी रहे। गायों के लिए गौरी गोपाल गौशाला में थोड़ी गौचर भूमि की आवश्यकता है। यदि आप भिंड वाले भक्त एक गज दो गज भूमि का सहयोग करें तो गौरी गोपाल गौशाला में गायों के लिए चारा बोने के लिए कुछ भूमि प्राप्त हो और आप लोगों के सहयोग से गायों को चारा भरपेट मिल सके। प्रिय भक्तों, राजा बलि ने 3 पग भूमि दान दी। भूमि दान करने वाला भूमि पुत्र होता है। क्या होता है? कुछ लोगों को आपने देखा होगा, किसी किसी के पास 4-4 घर होते हैं, 6-6 घर होते हैं और किसी के पास एक भी घर नहीं होता। तो जिन्होंने कभी किसी जन्म में भूमि दान दिया होगा उसे इस जन्म में, इस जीवन में भूमि की कमी तो नहीं होगी। इसलिए एक गज दो गज भूमि जरूर दान दो। राजा बलि भूमि दान वामन भगवान मांगने गए, 3 पग भूमि का संकल्प, शुक्राचार्य जी बीच में रोड़ा अड़ा रहे हैं, भगवान ने आंख फोड़ दी और शुक्राचार्य जी की 3 पग भूमि का संकल्प हुआ, शरीर को विशाल किया। पहले पग में अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल नापा, दूसरे पग में सत्यलोक को नापा, तीसरा पग कहां रखा? तीसरा पग कहां रखा था भगवान वामन ने? मैया, ओ लाल मैया, ओ मेरी मां, पंचायती मैया जा रही हो? क्यों जा रही हो मेरी मां? गुस्सा हो गई क्या? सुनो, कल आना जल्दी से मेरी मां। अच्छा, झोला भर गए ना उनका कथा से, एक झोला कथा भर के ले जा रही है मैया, उनको लगा भर गई हो गई, जल्दी आना कल। हां सुनो, भगवान तीसरा पग कहां रखते हैं? राजा बलि के मस्तक पर। राजा बलि के मस्तक पर भगवान ने तीसरा चरण रखा और राजा बलि को भगवान ने कहा, मैं तो तुझे छलने आया, मैं तो तुझे लेने आया, तुझे छलने, तूने तो मुझे ही छल लिया, क्या चाहता है? वामन भगवान ने उसकी पिटाई भी करवाई लेकिन उसने अपना धैर्य नहीं छोड़ा और राजा बलि को पाताल का राजा बनाया भगवान ने। आगामी मनवंतर में राजा बलि को भगवान इंद्र बनाएंगे। फिर लक्ष्मी जी वामन भगवान को लेकर गई, बोलिए वामन भगवान की जय। फिर भगवान ने मत्स्य अवतार लिया सत्यव्रत नाम के राजा के लिए, हयग्रीव पर कृपा हुई। फिर राम जी सूर्य वंश में आए, भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा जी से मरीचि, फिर कश्यप, फिर इन्हीं के वंश में राजा नभग, नभग के नाभाग, नाभाग के अंबरीश, अंबरीशो महाभागा सप्तद्वीपवती मही महीम, जिन्होंने एकादशी का व्रत किया। आप लोग एकादशी का व्रत करते हैं कि नहीं? एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न मत खाओ, भले फल खाओ पेट भर के। एकादशी के दिन सारे पाप अन्न में वास करते हैं और जो अन्न खाता है पाप फिर उसके भीतर प्रवेश कर जाते हैं। एकादशी जरूर करनी चाहिए। राजा अम्बरीश जी ने एकादशी के बल से भगवान को प्रकट किया और दुर्वासा जी का अभिमान इत्यादि चूर हुआ। इन्हीं के वंश में हुए राजा नभग, अम्बरीश के वंश में आगे चल करके फिर सगर, असमंजस, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, जिन्होंने गंगा को प्रकट किया। फिर इन्हीं के वंश में खटवांग, दीर्घवाहु, रघु, अज, दशरथ जी। दशरथ जी के कितने पुत्र हुए? 4। कौन कौन? राम। दशरथ जी के कितने पुत्र हुए? 4ों के नाम बताओ आप। शत्रुघ्न जी की मां का नाम बताओ। शत्रुघ्न जी की मां का नाम बताओ। नहीं पता? आप बताओ। शत्रुघ्न जी की मां का नाम बताओ। नहीं पता?
गलती आप लोगों की नहीं है, माँ बाप की गलती है कि आप अपने बच्चों को सब कुछ पढ़ा लिखा रहे, अच्छी कोचिंग, अच्छा स्कूल, लेकिन आप अपने धर्म, अपनी संस्कृति का जरा भी ज्ञान देना नहीं चाहते अपने बच्चों को। जरा बैठ के कहानियां ही सुना दिया करो, राम जी की, कृष्ण जी की, थोड़ा ज्ञान आएगा, जरूरी है, वरना संस्कृति से, संस्कारों से ये बच्चे दूर हो जाएंगे। चलो बताओ, चलो बताओ भैया, लक्ष्मण जी की माँ का नाम? ये भैया आगे चश्मा लगाए बैठे हैं, ये तीन भैया, तीनों में ये बताएंगे, लक्ष्मण जी की माँ का नाम क्या है? क्या नाम? हाँ, माता सुमित्रा, माता कौशल्या, माता सुमित्रा और माता कैकेयी, ये दशरथ जी की तीन पत्नियां, इन तीनों से चार हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जी, चारों बड़े हुए, गुरु विश्वामित्र जी लेकर चले और राम जी का यज्ञ पूरा, गुरु जी का यज्ञ पूरा, ताड़का मारी, यज्ञ पूरा कराया और धनुष में चले, प्रवेश किया सीय स्वयंवर में। सीता मैया का वो जो शिव जी का धनुष जो उठाएगा, डोरी चढ़ाएगा, वो सियापति बनेगा। बड़े बड़े राजाओं ने भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरही नटारा, सबने प्रयास किया पर हिला तक नहीं। अच्छा, वार कितने होते हैं? सोमवार, रविवार, मंगाया से कितने बार? आठवां कोई वार होता है? चलो बताओ, सात वारों में जितने वार होते हैं, इन सभी वारों में सबसे अच्छा वार कौन सा है? फास्ट मैया, सारे वारों में सबसे अच्छा वार कौन सा? जोर से, सोमवार, मंगलवार, ये कह रहे हैं मंगलवार, आप क्या कह रहे हो? गुरुवार, आप क्या कह रहे हो मैया? बुधवार, कुछ कह रहे हैं सोमवार, कुछ मंगल, कुछ बुध, कुछ गुरु, कुछ शुक्र, कुछ शनि, कुछ रवि। सुनो, सबसे अच्छा वार कौन सा है? सबसे अच्छा वार है परिवार। क्या? जिसका परिवार अच्छा है उसका सोमवार भी अच्छा, मंगलवार भी अच्छा, बुधवार भी अच्छा, गुरुवार भी, शुक्र, शनि, रवि सब। और जिसका परिवार अच्छा नहीं है तो क्या सोमवार, क्या मंगलवार, क्या बुधवार, क्या गुरुवार, क्या शुक्रवार? तो क्या बेहतर होना चाहिए? परिवार। राम जी गए, धनुष को प्रणाम किया, डोरी चढ़ाने उठाए, धनुष भंग हुआ, सिया मैया ने माला पहनाया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सीता मैया से राम जी का विवाह संपन्न हुआ, राम जी का विवाह माता सीता जी से, और भरत जी का विवाह किन से हुआ? भरत जी की पत्नी माता मांडवी, शत्रुघ्न जी की पत्नी माता श्रुतकीर्ति, और लक्ष्मण जी की पत्नी माता उर्मिला, चारों का विवाह हुआ। अयोध्या जी गए और बहुत सारा धन धान्य जनक जी ने दिया। कैकेयी राम जी को 14, राम जी को राजा बनाने का मन हुआ तो कैकेयी ने कितने वर्ष के लिए वनवास भेज दिया? राम जी को कितने साल के लिए वनवास जाना पड़ा? जोर से, 14 साल ही क्यों जाना पड़ा? 15 साल या 13 साल या 10 साल या 20 साल? कैकेयी माँ ने 14 साल का ही वनवास क्यों मांगा? 15 साल भी तो कह सकती थी, 14 से क्या था? चलो बताओ, माता कैकेयी ने राम जी को 14 वर्ष का ही वनवास क्यों दिया? मैया, ओ मेरी प्यारी माँ, राम जी का 14 साल का ही वनवास क्यों हुआ? मैया, ओ मेरी माँ, पंचायती मैया, बताओ मेरी माँ, क्यों 14 साल? क्योंकि उस दिन से, जिस दिन राम जी वनवास गए, उस दिन से रावण की उम्र, आयु केवल 14 वर्ष शेष बची थी, इसलिए भगवान राम को कैकेयी माँ ने 14 साल का वनवास दिया। अच्छा, कैकेयी माँ ने क्या जानबूझकर वनवास दिया? अच्छा ये बताओ, कैकेयी माँ ने राम जी को वनवास क्यों दिया? क्यों दिया? राम जी का वनवास क्यों हुआ? कैकेयी माँ ने क्यों वनवास दिया? दो कारण है। राम जी के वनवास के कारण तो बहुत हैं, पर कैकेयी ने राम को वनवास क्यों दिया, इसके दो ठोस कारण हैं।
मैं दोनों ठोस कारण आपको बताता हूं। पहला कारण तो ये कि एक बार दशरथ जी और कैकेयी जी दोनों आ रहे थे कि रास्ते में बाली मिल गया। बाली, बाली ने दशरथ जी से कहा, दशरथ जी चलो हमसे युद्ध करो, या तो युद्ध करो या तो अपनी राज मुकुट हमारे कदमों में रखो। अब दशरथ जी समझ गए कि बाली से युद्ध जीत पाना तो बड़ा कठिन है, क्योंकि बाली बहुत बड़ा बलवान था और दशरथ जी उससे जीत नहीं सकते थे। तो दशरथ जी ने चुपचाप अपना राज मुकुट उतार कर बाली के कदमों में रख दिया और हार स्वीकार कर ली, अपनी पराजय स्वीकार कर ली और वैसा ही नकली मुकुट बनाकर पहन लिया। ये बात केवल कैकेयी मां को पता थी। और जब राम जी ने, जब दशरथ जी ने राम को राजा बनाने की घोषणा की, तो कैकेयी मां ने दशरथ जी से कहा, क्या आप राम को नकली मुकुट पहनाओगे? असली मुकुट तो बाली के पास है, आप तो हार चुके थे। इसलिए कैकेयी मां ने कहा, राम जाओ बाली को मारो और पहले अपने असली राज मुकुट को लेकर आओ और तुम असली राजा बनने के अधिकारी हो, और ये नकली मुकुट पहनाना है तो भरत को पहना दो। मेरा राम असली राजा है, वो किसी से हारा हुआ नहीं है, इसलिए राम जाओ पहले अपनी वीरता का परिचय दो, पहले अपनी वीरता का परिचय दो। और बाली को मारकर राम जी ने अपनी वीरता का परिचय दिया। अब आप मेरे से यह सवाल पूछ सकते हैं कि आखिर राम जी ने बाली को छिपके क्यों मारा? तो इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको कल दूंगा विस्तार से, समय लगेगा समझाने में, कल आना, कल बहुत बढ़िया आपको कुछ गजब गजब प्रश्नों के उत्तर देंगे। आगे की कथा अब सुनते हैं। राम जी का वनवास कैकेयी मां ने इसलिए भेजा क्योंकि अयोध्या का असली राज मुकुट बाली, पहला कर। दूसरा, मंथरा के भड़काने से कैकेयी मां के अंदर लालच आ गया कि मैं महारानी, और याद रखना जहां लोभ होता है वहां पाप होता है। पाप का बाप कौन है? पाप के पिताजी कौन है? भैया पाप के पिताजी, जो व्यक्ति लोभी होगा वो पाप जरूर करेगा। पाप से बचना है तो लोभ का त्याग कर दीजिए, आप पाप कर ही नहीं सकते। जो लोभी होगा वो पापी होगा। इस धरती में ऐसा कोई पाप नहीं है जो बिना लोभ के होता हो, होए तो नाम बताओ। क्या बिना लोभ के आप कोई पाप कर सकते हैं? आप कोई भी पाप करेंगे तो लोभ के कारण करेंगे, लोभ नहीं होगा तो आप पाप नहीं करेंगे। तो पाप का बाप कौन है? इसलिए लोभ त्याग दो। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब दरवाजे हैं नरक के, त्याग दो इन सबको। और राम जी वनवास गए 14 वर्ष के लिए, और वनवास के दौरान राम जी केवट पर कृपा की, राम जी आगे चले, भरत जी को खड़ाऊं प्रदान किए, आगे चले और माता शबरी पर कृपा। यहां रावण जब सीता मां को ले गया तो सबसे बड़ी कृपा राम जी ने जटायु पर की। अच्छा ये बताओ, जटायु पक्षी है ना? बोलो हाँ। और पक्षी होकर भी जटायु जी ने माता सीता की रक्षा के लिए पंख फैलाए कि नहीं? हाँ या ना? पक्षी होकर भी उन्होंने माता सीता की रक्षा का प्रयास किया। अब आपसे मेरा सवाल कि जटायु ने तो पक्षी होकर माता सीता की स्त्री की रक्षा करने का प्रयास किया, आप इंसान होकर बताओ नारियों की रक्षा का क्या प्रयास कर रहे हो? इंसान होकर आपने अपनी मां की सेवा की क्या? की तो मैं प्रणाम करता हूं, और नहीं की तो सवाल करूंगा कि आप अपनी मां की सेवा क्यों नहीं करते? सवाल आपसे पूछा जाएगा। गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताएं रहती हैं, वो माएं जिनके बेटों ने घर से निकाल दिया। जैसे सीता मां रो रही हैं, दुखी हैं, उनके दुख को दूर करने के लिए केवट ने
जटायु ने प्रयास किया, जटायु ने प्रयास किया, अरे जटायु नहीं बचा पाए माता सीता को, पर प्रयास तो किया था। आप लोग भी गौरी गोपाल आश्रम में जो माताएं रहती हैं, अपनों ने सताया, अपनों ने ठुकरा कर तो घर से निकाल दिया, अब आप और हम हैं कि जटायु बनकर उनकी रक्षा, उनकी सेवा में, उनके होठों की मुस्कान के लिए थोड़ा तो प्रयास करें जटायु बन करके, कि हमारे कारण उनके होठों पर मुस्कान आए। और याद रखना, आप किसी की मुस्कान का कारण बनेंगे तो भगवान आपकी मुस्कान का कारण जरूर बनेंगे। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में वो वृद्ध माएं रहती हैं जिनके अपनों ने सताया, ठुकराया, अपनों ने साथ नहीं दिया। आप लोगों से प्रार्थना करूं, आप उन माओं का सहारा बनना। गौरी गोपाल आश्रम में 271 माताएं वर्तमान में रह रही हैं। कितनी माएं? 271। आप इन माओं का सहारा बन सकते हो, आप इन माओं के लिए सहारा जरूर बनना। क्या ये माँ आपकी नहीं है? क्या ये माँ हम सबकी नहीं है? इंसानियत के नाते आज पूर्णिमा है, किसी एक माँ का सहारा बनने का संकल्प लो। गौरी गोपाल आश्रम में ऐसी माए, एक माँ की मृत्यु हो गई साहब, बेटे को मैंने फोन लगाया, बेटा तेरी माँ चल बसी, एक अंतिम दर्शन करने आ जा, मना कर दिया, मैं नहीं आऊंगा, माँ का दर्शन करने तक नहीं आती औलाद, अंतिम आग लगाने चिता पर नहीं आती औलाद, एक गिलास पानी तक नहीं पूछता कोई। इसलिए ऐसी माँ की सेवा वहां हो रही है। तो जैसे जटायु जी माँ के लिए जब पंख बढ़ाए तो जटायु को राम के पास नहीं जाना पड़ा, जटायु ने केवल सेवा की तो सेवा करने वाले को राम के पास नहीं जाना पड़ा, बल्कि राम स्वयं सेवा करने वाले जटायु के पास आए। याद रखना भक्तों, जो सेवा करता है वो कभी भगवान के पास उसे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान खुद सेवा करने वाले के पास आते हैं। इसलिए भगवान को पाने का सबसे सरल तरीका है सेवा। इसलिए दास अनिरुद्ध सेवा करता, गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माए रहती है ना, उनकी सेवा। रावण को मार के राम जी राजा बने, सिया जी रानी बनी। अब चंद्र वंश का वर्णन, भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा से अत्रि, चंद्रमा बुध पुरवा आयु नहो से आती, इन्हीं के वंश में वसुदेव जी हुए जिनका विवाह माता देवकी से संपन्न हुआ। कंस मारना चाहा, जेल में बंद कर दिया, वसुदेव जी ने रोका और कंस ने 6 पुत्रों को मार दिया। सातवें गर्भ में लक्ष्मण जी आए बलराम जी बनकर, और देवकी के गर्भ से माता देवकी के गर्भ से माता रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर किया, और सातवें गर्भ में लक्ष्मण जी प्रकट हो गए बलदाऊ बनकर। बोलिए बलदाऊ भैया की। आठवें गर्भ में भगवान प्रवेश करते हैं, देवता स्तुति करते हैं, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। भगवान की स्तुति देवताओं ने जब की, प्रकट हो गए भादों के महीने कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रात्रि के ठीक 12 बजे रोहिणी नक्षत्र अभिजित मुहूर्त में। तमद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंखधारयुधायुधम श्री वत्स लक्ष्मणम गलशौविकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोदसौभगम। जब प्रकट हुए भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर, देव की वसुदेव ने स्तुति की, भगवान को लेकर वसुदेव जी चले। कन्या ने यशोदा माने कन्या को जन्म दिया, श्री कृष्ण को रखकर कन्या को लेकर आए। कंस ने पत्थर पर पटका, हाथ से छोड़कर आकाश में गई और आकाशवाणी हुई, तुझे मारने वाला प्रकट हो गया। यहाँ देव की वसुदेव को कंस ने मुक्त कर दिया और बधाइयां चालू हो गई। यशोदा मैया बधाई हो, बधाई हो। जब वृंदावन में गोकुल में पता लगा कि यशोदा के यहाँ अरबड़ी सी रात में लड़ुआ सो लाला जायो, यशोदा मैया ने सारी सखियां बधाई पे बधाई हो, बधाई, बधाई हो।, हो सब बधाई दे रहे हैं। नंद बाबा गैया दान कर रहे हैं, भूमि दान अन्न दान कर रहे हैं, खूब बधाई देवता दर्शन करने, खूब बधाई हुई, उत्सव घर घर लट्टू पेड़े बांटे गए और उत्सव मनाया गया। बधाई हो भिंड के भक्तों, लाला के जन्म की लाखों लाख करोड़ों करोड़ बधाई, बधाई हो। भयो जय कन्हैया लाल की, हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सारे ब्रज में बधाई उत्सव मनाया गया। मैया लाला का श्रृंगार कर रही है, बड़े प्यार से भगवान को लाड़ लड़ा रही है, प्यार कर रही है, मैया ख्याल रख रही है कन्हैया का। आइए एक बार भाव से झूमते फिर आरती का आनंद लेते हैं। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। कल सुबह 9 बजे गुरु मंत्र दिया जाएगा। जिन्हें गुरु मंत्र लेना है कल सुबह, और अभी 6 बजे प्रश्नोत्तरी होगी यहाँ पर, आप भी प्रश्नोत्तरी में जुड़ सकते हैं। आइए आरती का दर्शन। श्रीमन नारायण ओम चंद्रमा मन सोजाक्षो सूर्यो जायुष्ट मन में बसाकर तेरी मूर्ति मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती आरती। तेरी मूर्ति गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। नाव मेरी तार दो भगवन, ओ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। हाँ मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, तेरी आरती।
लो बंदगी, कब है जिंदगी कर लो बंदगी, प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती, मन में बसा कर तेरी मूरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, वेद तेरी महिमा गाए संत करें ध्यान, नारद गुण गान करें छेड़ वीणता, वेद तेरी महिमा गाए संत करें ध्यान, नारद गुण गान करें छेड़ वीणता, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, I'm not afraid.